गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी सो टुडे वी आर अप टू टू एनालाइज द टेस्ट पेपर कंडक्टेड ऑन द टॉपिक द प्रीवियस टॉपिक विच वी कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट का टेस्ट जो था एक ड्यू था तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तीन एक्सरसाइज कर ली है वैसे हमने उसको ब्रेक दिया है हमने और पहले ये टेस्ट कंडक्ट करवाया ठीक है एंड इसको एनालाइज कर लेते हैं आज एक क्लास का ब्रेक देके फिर कल से वापस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिज्यूम करेंगे वैसे तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है बीच में रोकना बट ठीक है अब कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी चलो तो वापस आओ पिछले वाले एक तरीके से हो गया वापस पिछले वाले फेस में चलो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स So, there are in all uh, five questions uh, consisting three marks each okay we we will give, we will give give one mark to the figure three question फिगर का रहेगा वन मार्क्स तो फिगर का रहेगा तो रहे और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना फिगर ढंग से बना तो ही क्वेश्चन solve होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है एंड टू मार्क्स फॉर द एंड रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दैट है ना तो जो भी है कैलकुलेशन या सॉल्यूशन उसको अपन दो मार्क्स देंगे ठीक है और फिर उस दो मार्क्स में से भी कितना सही है है ना तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा ओके हाँ एक चीज और मैंने देखा था आप दोनों की शीट्स में देखा था पता नहीं कहाँ देखा था किसी किसी ने फिगर पेन से बनाया हुआ है किसने बनाया सिस्टी ने बनाया या आपने बनाया सिस्टी ने बनाया दो सारे क्वेश्चन में फिगर पेन से बनाया सो डू वन थिंग उसको फिगर में हाफ मार्क दो ओनली हाफ मार्क मत दो ओके बिकॉज द फिगर ड्रॉन विथ पेन इज एन एडवांटेज तो वो एडवांटेज हमको नहीं लेना है क्योंकि एग्जाम में तो पेंसिल से ही बनाना है देखो पेंसिल से बनाने में टाइम लगता है पेंसिल धीरे चलती है ना पेन तेज चलता है तो पेन से जल्दी बन सकता है फिगर तो हम एडवांटेज क्यों ले रहे हैं हमको तो उल्टा काम करना चाहिए जो मुसीब जो जिसमें ज्यादा दिक्कत हो वो काम अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि एग्जाम में एडवांटेज मिले हम ओब्वियसली मैथ्स का ऐसा कौन सा एग्जाम है टेंथ बोर्ड नहीं दिया आपने उसमें कौन सा फिगर पेन से बनाया हाँ नहीं हमने टेंथ बोर्ड में सारे फिगर पेंसिल से बनाए हैं तो ट्वेल्थ बोर्ड में भी बनाने पड़ेंगे तो जब उधर पेंसिल से बनाने हैं तो वाई आर वी ड्रॉइंग विथ पेन हेयर अगर हम यहाँ पेन से बना रहे हैं तो हम एडवांटेज ले रहे हैं एडवांटेज ले रहे हैं तो उसका मार्क्स uh, कटने चाहिए तो उसमें फिगर के आप हाफ मार्क्स दो तो उन उस सारे में जो है फिगर पेन से है, पांचों में सो so आप उसके ढाई मार्क्स में से वैल्युएशन करेंगे तीन में से नहीं करेंगे आधा मार्क्स फॉर फिगर एंड दो मार्क्स फॉर द सॉल्यूशन ठीक है चलो आए तो इसको भी बता देंगे हाँ ओब्वियसली डायग्राम ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है तो अभी करते हैं ना डिस्कस एनालिसिस करते हैं तो क्वेश्चन बार बार करना ही है, एक सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन को बार बार करना ही सॉल्यूशन है जैसे पहले किया हमने है ना उसके बाद फिर अभी कल आपने ट्राई किया कुछ बने होंगे कुछ नहीं बनेंगे फिर घर पे भी ट्राई किया फिर अभी कर रहे हैं अपन फिर अभी करने के बाद आज नहीं दो तीन दिन बाद ऑटोमेटिकल मतलब अपने आप ही आप क्या करो चलो वापस उठा के देखते है ना दो तीन दो तीन तीन चार तीन चार दिन के बाद वापस उठाकर देखो उसी दौरान उठाएंगे तो बन जाएंगे क्योंकि अभी भी बना के याद भी रह जाता है रट भी जाते हैं माइंड में लेकिन तीन चार दिन के बाद अगर बना पा रहे हो दैट मीन्स आपको आ गया कौन सा तीन चार दिन बाद फिर देखो अपने आप बनाने की कोशिश करो तो यही एक तरीका है नथिंग एल्स ओके सो क्वेश्चन नंबर वन यूजिंग सब में दो दो क्वेश्चन थे

चलो देखते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन स्मॉलर एरिया चाहिए ठीक है? अच्छा कई बार आपको बताता है एक्स एक्सिस को लो या वाई एक्सिस को लो बताता है और जब ना बताए जैसे इसमें नहीं बता रहा कौन से एक्सिस लेनी है एक्स एक्सिस लेनी है तो उसमें क्या करना होता है इन दोनों कर्व के बीच का एरिया लेना होता है इसके इसके कर के बीच का एरिया लेना होता है फिर X -axis, y -axis को भी एक की तरह काम में लेना होता है इसने नहीं कहा ना तो अब इन दोनों के बीच का एरिया ठीक है तो ये तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि कर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए सर्किल है सर्किल उसने कहा भी है पता तो लग जाना चाहिए पर साथ में ये भी पता लग जाना चाहिए सर्किल बनेगा कैसे है ना तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर एंड को क्या लिख सकते हैं टू का स्क्वायर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे का होल स्क्वायर की जनरल फॉर्म जो होती वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आर का स्क्वायर सो यू विल गेट वॉट एच कोमा के इक्वल टू जीरो जीरो एच कॉमा के इक्वल टू जीरो एंड रेडियस इक्वल टू टू ठीक है एचकोमा के क्या होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और आर क्या होता है रेडियस होता है ठीक है तो एक बार हमको सेंटर और रेडियस दोनों मिल गए तो अब अपन सर्किल बना सकते बना सकते हैं चलो लेट्स ड्रॉ इट दिस इज माय वाई एक्सिस दिस इज माय एक्स एक्सिस ये सेंटर है भूल गई थी क्लास है सो गई थी उठ के वापस हो गई थी ओके लेट्स सी थोड़ा बड़ा बना देता ये तो बन गया सर्किल अब सर्किल के सेंटर तो अपने जीरो ले दो, 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 दो है। तो चाहो तो मार्क कर दो ये क्या हो, जाएगा? टू कॉमा जीरो, क्या हो जाएगा माइनस टू कोमा वैसे को मार्क करने की इतनी खास जरूरत नहीं बट फिर भी ठीक है जो चीज साफ साफ दिखती है उसमें मार्क करने में क्या दिक्कत जीरो कोमा टू एंड जीरो माइनस टू और सेंटर तो जीरो कोमा जीरो जाएगा सेंटर तो

सेंटर को ओ जीरो अब लाइन बनानी एक्स प्लस टू टू है ना उस पर फोकस करेंगे लाइन कैसे बनेगी तो दो तरीके हैं या तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर या तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो एक्स प्लस वाई टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादा आसान होता है उल्टा है ना तो टू से डिवाइड कर दू टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो एक्स बाय टू प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन ठीक है तो कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से टोटल फॉर्म फॉर्म की स्टैंडर्ड क्या होती इंटरसेप्टन सो so, यहां से X भी निकला और y भी निकला. So, X ये बात किया मैं ऑलरेडी इन दोनों से गुजरती हुई एक लाइन बनानी है समझ गए चलो बना दो सो so, ये लाइन बन जाएगी कुछ ऐसी ठीक है अब इस लाइन और इस सर्किल के बीच का एरिया चाहिए और वो भी छोटा वाला एरिया चाहिए चेक करो फाइंड द स्मॉलर एरिया कौन सा एरिया चाहिए छोटा एरिया सो so, आप शेड कर दो ये वाला एरिया समझ में आ गया ना कौन सा एरिया है तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि करेक्ट एरिया आइडेंटिफाई हो गया था क्या दोनों का ये वाला एरिया शेड किया है सबने क्योंकि अगर एरिया ही गलत शेड कर दिया तो आगे का सारा सोल्यूशन गलत है ये चीज़ तो साफ साफ समझ में आई जाएगी है ना दोनों ने सही किया ये वाला एरिया शेड किया ये वाला क्यूशन ही नहीं किया अच्छा ठीक है तो सृष्टि ने सही एरिया शेड किया है ठीक है ओके अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं जीरो से लेकर टू तक पहले सर्किल को इंटीग्रेट कर दें और जीरो से लेकर टू तक ही बाद में लाइन को इंटीग्रेट कर दें और माइनस कर दें ठीक है ना इस पूरे एरिया में से ये ट्राइंगर पार्ट का एरिया व्हाइट पार्ट का एरिया माइनस कर दे ठीक है ना ठीक है चलो शुरू कर देते हैं तो आइए अब इंटीग्रेशन पार्ट शुरू करते हैं तो दोनों में से वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये जो भी अभी आपने किया ये तो किसके लिए था ये निकालने के लिए भाई वाई इंटरसेप्ट क्या है एक्स इंटरसेप्ट क्या है और अब जो करेंगे वो फंक्शन की वैल्यू फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तो आ जाओ सबसे पहले क्या है सर्किल एक्स स्क्वायर सर्किल क्या है एक्स स्क्वायर और इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी वो वैसे ही पता चल गया ना कई बार आपको कर्ज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना पड़ता है ना इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी कई बार ऐसे ही पता चल जाता है फिगर बनाते बनाते सो so, यहां से वाई की वैल्यू बता दो क्विकली अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ना सर्किल के बाद आ जाइए दूसरी चीज क्या है लाइन लाइन सो लाइन की इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वाईक्वल टू टू ये गिवन थी तो यहां से वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा एक्स तो इस वाले वाई को ले लेते हैं और इस वाले वाई को अपन थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं इसलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू मतलब कैलकुलेशन बेस्ड स्टेप्स लिख रहे हैं बाकी स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं ना ठीक है रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे नाम तो रखा है नहीं इसको ए ले लो और इसको बी ले लो ठीक है और एक पॉइंट इस पे ले लो सी एक पॉइंट इस पे ले लो डी तो रिक्वायर्ड एरिया का नाम बताओ कौन सा एरिया बाउंड हुआ बोलो एरिया ए सी बी डी ए ए सी बी डी है ए सी बी डी ए निकालेंगे कैसे इंटीग्रेशन ना पहले एक बार नाम लिख देते हैं पहले टोटल एरिया ओ ए सी बी ओ ओ ए सी बी ओ माइनस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया क्या होगा ओ ए डी बी ओ ओ ए डी बी ओ फाइन ऐसे होगा इंटीग्रेशन दोनों जीरो से लेके टू होगा एफ एक्स एफ एक्स डीएक्स माइनस वही जीरो से लेके टू जी एक्स डीएक्स फाइन ठीक है बढ़ते हैं आगे तो एफ एक्स क्या है मेरे पास ये और दोनों का लिमिट सेम है तो मर्ज कर दू ना दोनों को जीरो से लेके टू भाई इसकी भी जीरो से लेके टू इससे टू माइनस एक्स ये माइनस भी, तो तो भी रहेगा बीच में तो चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस को सॉल्व करके क्या कर सकते हो माइनस टू प्लस एक्स तो प्लस एक्स माइनस टू भी लिख सकता हूँ इसको ओके प्लस एक्स माइनस टू ठीक है ना होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करें तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बोलो कैसे लिखते हैं इसको एक्स बाई टू इसके आंसर को मतलब इस इंटीग्रल के आंसर को कैसे लिखते हैं एक्स बाई टू सेम इंटीग्रल माइन प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी फोर बाई टू यानी टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो ए की वैल्यू टू है तो एक्स बाई टू ठीक है ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे उससे कर टू, 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 टू. तो टू, क्या -क्या टू से ये जीरो बनेगी पहली टर्म फोर माइनस टू का स्क्वायर ओके प्लस ये क्या बनेगा टू बाई टू वन तो साइन इनवर्स वन यानी कि प्लस ये टू स्क्वायर बाय टू यानी कि टू फोर फोर बाई टू टू और ये माइनस टू टू जब फोर तो टू रखने का काम ओवर अब जीरो माइनस जीरो रखते हैं तो जीरो से ये जीरो प्लस ये भी जीरो प्लस ये भी जीरो माइनस ये भी जीरो हर चीज जीरो तो लिख दो बस बाकी फॉर्मेलिट है आंसर तो यहीं से आएगा टू से टू काटा टू माइनस फोर क्या होता है माइनस टू सो इट इज लाइक पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट्स इज द फाइनल मैच करो ठीक है तो सारी चीजें डिस्कस हो गई ना बेटा कर्व कैसे बना लिमिट कैसे डिसाइड हुई एरिया बाउंड कौन सा हुआ इंटीग्रेशन कैसे हुआ मतलब एक तरीके से चैप्टर क्या है थोड़ा सा है ना टेक्निकल चैप्टर है, है ना मतलब डायग्राम अच्छे से बन, नहीं डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए वो तो मस्ट रिक्वायरमेंट है ही सही उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी ढंग से होना चाहिए भी ढंग से आइडेंटिफाई होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलो इस बार तो मिल गए बाकी क्वेश्चंस में कईयों में निकालने पड़े होंगे तो वो भी अच्छे से निकालना चाहिए कर का क्लैश करवाना पड़ेगा तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है इस क्वेश्चन का आम, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तो हाँ लगता है कि हमने कुछ किया है कि एक्चुअली इतना बड़, भारी भर इंटीग्रेशन चैप्टर सीखा उसका ये रोल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आगे चल के हम भी कुछ बन गए आर्किटेक्ट वार्किटेक्ट तो एरिया वेरिया निकालने लगे किसी घर का तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके है ना कर वगैरह बना के हम्म, hmm. मार्क्स so, मिलेंगे आपको ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले क्यों नहीं कुछ मिस्टेक नहीं है हमने पहले डिसाइड कर दिया मिस्टेक कुछ भी नहीं है पूरे पेपर में आउट ऑफ थ्री वैल्युएट नहीं होगा आपका आउट ऑफ टू पॉइंट फाइव होगा बताओ अनुष्का क्या रीजन है यस व्हाई हैव यू ड्रॉन द डायग्राम एंड फिगर विद पेन आंसर मी आपको बोर्ड में अलाउड है मुझे एक चीज बताओ बोर्ड में अलाउड है क्या मुझे बताओ अल्हाना आप आना बो, बोर्ड में पेन से बनाओगे या पेंसिल से बनाओगे वहां जाके पेंसिल से बनाओगे अब दूसरा क्वेश्चन मेरा कि पेंसिल से बनाना में ज्यादा टाइम लगता है या पेन से बनाने में ज्यादा टाइम लगता है ऑनेस्टली आंसर में पेन से बनाने में आसान रहता है पेन स्मूथ चलता है जल्दी बनता है पेंसिल से बनाने में मुश्किल है और पेंसिल पहली बात तो स्मूथ नहीं चलती दूसरा पेंसिल के लिए फिर स्केल भी उठाना पड़ता है पेन से आपने कोई स्केल स्केल नहीं उठाया होगा एडवांटेज ऑफ क्विकली ड्रॉइंग एग्जाम में नहीं मिलेगा सो प्रैक्टिस वही करो जो आपको एग्जाम में करनी है उल्टा डिफिकल्ट की करो ताकि वो आप में आसान लगे आप तो आसान की कर रहे हो तो वहां डिफिकल्ट लगेगा बेटा अगर आप आपके इस क्वेश्चन में तीन मार्क्स यहाँ स्कोर कर रहे हो तो एग्जाम में आप दो ही कर पाओगे सो so अभी के लिए ये पनिशमेंट है ऐसा है ना ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं सो so, एक सर्किल है मेरे पास एक्सक्वायर प्लस एक्सक्वायर इक्वल टू तो थर्टी टू देखते ही पता चल जाना चाहिए ना इक्वेशन देखी और पता चल जाना चाहिए अच्छा ये तो सर्किल है वैसे दिया हुआ भी अभी सर्किल है अच्छा जी और देखो एरिया ऑफ द रीजन इन द थर्ड क्वार्टरेंट का चाहिए आपको इंक्लोज बाय द एक्स एक्सिक्स चाहिए एंड वाई इक्वल टू एक्स चाहिए तो तीन चीज़ें एक्स एक्सिस तो बनाते हैं ही हम है ना वाई इक्वल टू एक्स बनाना है और सर्किल बनाना है चलो तो लेट्स इट पहले फिगर ही बना लेते हैं पहला काम ये करते हैं थर्ड uh, क्वार्टर में चाहिए तो उसको थोड़ा सा ऊपर बना हो अच्छा थर्ड क्वार्टर में तो बुरे फंसे फिर हम थर्ड क्वार्टर में क्यों फंसे अब तो मॉड्यूलस लेना ही पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में अगर आप एक्स एक्सिस को बेस मानो तो भी आप नेगेटिव साइड हो और अगर आप वाई एक्सिस को बेस मानो तो भी आप नेगेटिव साइड हो एक्सिस को बेस मानते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर पॉजिटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ नेगेटिव होता है वाई एक्सिस को बेस मानते हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ पॉजिटिव होता है लेफ्ट साइड वाला सेकंड एंड थर्ड तो थर्ड तो दोनों ही केसेस में क्या रहता है नेगेटिव रहता है तो ये थोड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं आपके बुक में exactly एक्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि थर्ड क्वार्टर में ही निकालो पर हमने यहाँ पे दिया है ताकि आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे करो जिसमें आपको मॉडुलस लेना ही पड़े ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया है मॉडुलस अनुष्का ने नीचे... नीचे गैप कर दिया। ठीक है ना सो दिस विद सर्किल और लाइन एक्स प्लस लाइन क्या है एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स मैंने कई बार बताया आपको आइडेंटिटी फंक्शन इसकी इसकी ग्राफ आपको मतलब इसकी लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए कैसी लाइन होती है इसकी बोलो फॉर स्ट्रेट लाइन तो होती है फोर्टी फाइव डिग्री पे इंक्लाइंड होती है क्योंकि इसको सोल्व करूँ वाई इक्वल टू एक्स तो इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँ तो एम एक्स प्लस सी तो एम की वैल्यू वन तो स्लोप वन स्लोप वन मतलब टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन होता है तो बहुत सारे तरीके है डायरेक्ट डिया, याद रखो तो, तो भी अच्छी बात है आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा बिल्कुल ऐसे होगा और माइनस एक्स बिल्कुल ऐसे होगा डिग्री है ना प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स दिसन इंक्लाइन फाइव डिग्री ठीक है अब एरिया बाउंड करते हैं तो एरिया बाउंड करो ध्यान से इसको क्या क्या चाहिए इसको चाहिए सर्किल इसको क्या चाहिए लाइन इसको क्या चाहिए ये भी चाहिए एक्स एक्सिस लेकिन इसको थर्ड क्वार्टेंट चाहिए अगर ये फर्स्ट क्वार्टेंट कहता है तो मैं ये वाला एरिया बाउंड करता शायद आपके जो बुक में क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट कॉर्डेंट है लेकिन हमने थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट किया अब की बार आप थर्ड क्वार्ट निकालो दैट मीनस ये ठीक है अब देखो चाहो तो आप थर्ड क्वार्ट का वैसे अपन मॉडुलस लेकिन क्योंकि पर्टिकुलरली उसने कहा है लेकिन आप थोड़ा सा और स्मार्ट बनकर अगर करना चाहो तो आप तो फर्स्ट क्वार्टेंट निकालो बराबर ही निकलेगा सिमेट्रिक है चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं ये वाला एरिया इसका फर्स्ट निकाल लो कोई एरिया बाउंड होगा और ये वाला एरिया भी दो टुकड़ों में निकलेगा क्योंकि किसी जगह तो उसकी छत का काम लाइन कर रही है एंड किसी जगह उसकी छत का काम सर्किल कर रहा है और क्लैश इस जगह पे हो रहा है चेक कर पा रहे हो तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इससे ठीक है तो इससे इधर तो सर्किल इससे इधर लाइन अब आप कहोगे सर छत का है छत तो एक्स एक्सेस है ऐसा लग रहा है कि छत तो एक्स एक्सेस है लेकिन आप एक्सएक्स को तो फ्लोर ही मानोगे हमेशा तो आप ऐसे समझो घर उल्टा लटका हुआ है तो अगर ये घर ऐसे उल्टा लटका हुआ है तो एक इसकी छत ये है और इसकी छत ये है ना इमेजिन कर पा रहे हो ठीक है तो अब यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ताकि आपको लिमिट्स डिसाइड हो सके चलिए आइए तो सबसे पहले सर्किल की बात करते हैं सर्किल की इक्वेशन क्या है एक्सक्वायर वाई स्क्वायर और थर्टी टू राइट यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं मतलब वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं सो वाई वाई स्क्वायर की निकाल लो चलो पहले सो वाई स्क्वायर इक्वल टू थर्टी टू माइनस एक्स स्क्वायर सो वाई की वैल्यू ऑल रूट ऑफ थर्टी टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड डू वन थिंग ऑल्सो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर भी तो करोगे टू फाइंड द टू फाइंड वॉट टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल्स थर्टी टू को मैं फोर रूट टू लिख दू का स्क्वायर मतलब ठीक है सो रेडियस फोर रूट टू आया आपकी बार मेरा और सेंटर जो है वो जीरो वो तो पहले ही दिख रहा था सो ये ओ जीरो कोमा जीरो और ये ए ये पॉइंट ए जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे टेलमी माइनस माइनस फोर रूट टू कॉमा जीरो फाइन क्योंकि रेडियस माइनस फोर रूट टू आ गई ना तो इधर भी फोर इधर भी फोर ऊपर भी फोर उसे ऐसे नहीं मार्क करते हैं जिससे पिछली बार तो सारे पॉइंट मार्क थे अपन इस बार नहीं करते सो ए so, ये हो गया ओ ये हो गया ए हो गया तो बी अभी बी के कोऑर्डिनेट्स एंड फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लेट्स से पी तो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना तो ये दो कोऑर्डिनेट्स और निकालने तो बी के भी मैं केवल केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालूंगा वाई कोऑर्डिनेट को मुझे कोई खास जरूरत मैं ज्यादा दिलचस्पी है नहीं इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं ठीक है तो सर्किल की इक्वेशन ये हो गई लाइन की इक्वेशन बोलना क्या थी x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू नहीं y इक्वल टू एक्स सॉरी ऊपर वाला देख ले y इक्वल टू एक्स तो y इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल या फिर ये वाली इक्वेशन इन दोनों को क्लैश करवा दोस्ट इक्वेशन वन एंड लेट दिसक्वेशन इन दोनों को क्लैश करवा दो और उसमें भी वाई को एलिमिनेट कर दो क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट में आप दिलचस्पी नहीं ले रहे हो आप एक्स कोऑर्डिनेट में वाई तो को, की ना सो सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा रफली कर देता हूँ सो वाई इक्वल टू एक्स अगर इक्वेशन वन में रखता हूँ तो इक्वेशन वन कुछ ऐसे दिखाई देती है वाई स्क्वायर है तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थर्टी टू माइनस राइट माइनस इधर जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट टाइम्स कट गया ट जाइएटीन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस फोर एक्स माइनस फोर अब आप समझ पा रहे होंगे कि प्लस और माइनस फोर कैसे होगा इधर माइनस दो जगह क्लैश हो रहा है ना एक इस जगह क्लैश हो रहा है एक इस जगह क्लैश हो रहा है तो इसलिए एक बार प्लस फोर और एक बार माइनस फोर तो अभी तो मैं थर्ड क्वार्टर पे हूँ तो थर्ड क्वार्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फोर कॉमा वाई कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर कॉमा ठीक है तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे यानी कि लिमिट क्या होगी? एक फोर रूट टू से माइनस फोर और दूसरी लिमिट क्या होगी माइनस फोर से जीरो अच्छा ऐसे मत कर देना जीरो से माइनस फोर हमेशा लिमिट्स डिसाइड करते टाइम छोटा नंबर लोअर लिमिट और बड़ा नंबर अपर लिमिट होगी इस वाले चैप्टर में

फोर से फोर रूट टू चलता है अभी छोटा नंबर तो चले। तो तो uh, लेने का मतलब नहीं रहेगा है ना मतलब कुल मिला के टेक्निकली वो चीज गलत होगी समझ गए ठीक है चले आगे ओके फाइन अब एरिया निकाल लो तो एरिया निकालने के लिए देखो यहां से वाई की वैल्यू पहला फंक्शन ये है सर्किल तो इसको ले लो एफ एक्स ठीक है ना इसको तो ले लो हम एफ एक्स और दूसरा फंक्शन क्या था ये इसको ले लेते हैं जी एक्स ठीक है चलो तो निकालना शुरू करें ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया नाम रख दें पहले इसका कुछ ओ पी ए बी तो बड़ा वाला ये वाला एरिया क्या हो जाएगा बताओ पी ए बी पी और वो वाला एरिया क्या हो जाएगा ओ पी बी और टोटल एरिया क्या हो जाएगा ओ ए बी ओ ओ पी ए बी ओ इस तरीके से ठीक है चलो रिक्वायर्ड एरिया नेक्स्ट पेज पे निकालते चलो रिक्वायर्ड एरिया एक बार फिर से ओ पी ए बी ओ ओ पी ए बी ओ इक्वल टू ऐड करना पड़ेगा ना तो लेफ्ट साइड वाले एरिया का नाम बताओ क्या होगा पी ए ट्राइंगुलर रीजन भी है ना ट्राइंगुलर रीजन का जो भी एरिया आप निकालो इंटीग्रेशन से लेकिन चेक भी कर लो देखो बेस बी फोर और हाइट भी फोर बेस भी फोर हाइट बी फोर 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 ना आपको अंदर से पता होना चाहिए ओ पी बी ओ पी बी ओ ठीक है चलो ओके एंड वन मोर थिंग कि ये वाला जो चलो ठीक है अब करेंगे वो तो इंटीग्रेशन माइनस फोर रूट टू से माइनस फोर एफ एक्स पहले वाले को एफ एक्स लिया था डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस फोर से जीरो जीओ एक्स डी एक्स ओके और क्योंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे लटका हुआ एरिया है सो ए मॉडुलस ऑल ओवर द ऑल ओवर द एरिया ठीक है ना अलग अलग मत कर देना ऑल ओवर लगाना है ठीक है चलो जी सो मॉडुलस आइए अंदर मॉडुलस के अंदर क्या है माइनस फोर रूट टू से माइनस फोर वाला एरिया में एफ एक्स एफ एक्स क्या था अंडर रूट थर्टी टू माइनस एक्सक्वायर अंडर रूट थर्टी टू माइनस एक्सक्वायर इन टू डी एक्स प्लस यहाँ पे माइनस फोर से जीरो और वो क्या था वाई बराबर एक्स वाई बराबर एक्स एक्स एंड तो लगाना है इक्वल टू आ जाओ चलो इंटीग्रेट कर दे सो so, बोलो एक्स बाई टू सेम फंक्शन ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर क्या होगा थर्टी टू होगा थर्टी टू बाई टू यानी सिक्सटीन सिक्सटीन होगा ना साइन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स बाई ए क्या था फोर रूट टू ए फोर रूट टू था ठीक है तो इसको तो ना इंटीग्रेशन पूरा इसको तो इंटीग्रेट करना है आपको लगाओ का? root से कहा माइनस फोर रूट टू से इंटीग्रेट करना है आपको -4 से 0. अच्छा while solving this, while solving this, आप ये make sure कर लेना कि इसका ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आएगा तभी तो मॉडुलस लगाया हमने अगर इसका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आता है तो अगेन हमने क्वेश्चन में कोई गलती की क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आ नहीं सकता क्योंकि नीचे लटका हुआ एरिया है ना ओके चलो सॉल्व करते हैं चलो जी तो पहले इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करें तो -4 रखते ये तो 0 हो जाएगा क्या कैसे होगा 4√2 रखते होगा ना -4 रखते कहां होगा तो -4/2 -2 -4/2 क्या होगा -2

पाए मतलब साइन पाए है ना uh, मतलब पाए पाए बाय टू पे वन होता है थ्री पाए बाय टू पाए बाय टू पे वन होता है लेकिन ये साइन इनवर्स माइनस वन है तो थ्री पाए बाय टू ठीक है ना टू सेवेंटी डिग्री ठीक है अभी क्लियर ये थर्ड टर्म uh, ये फोर्थ टर्म ये पूरा हो गया ज्यादा सॉल्यूशन प्लस अब इस वाले सेकेंड पे आ चुके हैं हम इसमें आओ सबसे पहले जीरो बाय टू माइनस अब minus 4 का स्क्वायर बाय यानी कि एट ठीक है अब आप ध्यान से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर भी नेगेटिव आ रहा है यहां से लेके तक आंसर भी नेगेटिव आ रहा है और ओवरऑल भी नेगेटिव आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि ये एरिया भी नीचे लटका हुआ है ये एरिया भी नीचे लटका हुआ है ओवरऑल जो आंसर आएगा वो पूरा का पूरा भी नीचे लटका हुआ है ठीक है ना तो ये अब करते करते सॉल्व कर लेना तो पता चल मतलब एनालाइज कर लेना तो पता चल जाएगा हमने सही किया गलत किया ठीक है चलो चलते हैं आगे मॉडुलस ये क्या हो जाएगा माइनस एट फोर फोर जा सिक्सटीन फोर प्लस थ्री पाए यानी कि ट्वेल्व पाए ये जीरो हटाओ टू से एट टाइम माइनस का एट थ्री जा ट्वेंटी फोर पाए और फिर ये माइनस का एट मॉडुलस लगाया तो ट्वेल्व पाए माइनस ट्वेंटी फोर पाए माइनस ट्वेल्व पाए और माइनस एट माइनस एट यानी माइनस सिक्सटीन का मॉडुलस इस पर अगर मैं माइनस नाइन कॉमन ले लू तो माइनस नाइन कॉमन लेने के बाद ये ट्वेल्व पाए प्लस सिक्सटीन प्लस और अब ये मॉडुलस लगा हुआ है तो इस मॉडुलस के चक्कर में मैं क्या, क्या? का का काम ही होता है ट्वेल्व so, हो उसके साथ लगेगा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो इन दोनों का सम पॉजिटिव लेकिन ओवरऑल नेगेटिव क्योंकि बाहर माइनस है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मॉडुलस हटाने के बाद ट्वेल्व पाए प्लस सिक्सटीन स्क्वायर ठीक है, क्लियर है कोई डाउट है क्या बताओ सो so, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे इंटीग्रेट hmm? गलत कर दिया एक्स स्क्वायर बाय टू तो सही किया है मॉडुलस नहीं लगाया एक तो मॉडुलस ऐसा अच्छा, नीचे खत्म कर दिया मॉडुलस है।, तु है गया तो पूरा ही गलत हो एक मार्क फिगर का दो ओनली ये तो पूरा ही गलत है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट देखो Using integration, find the the y equal to, uh, modulus x x-axis x x above and between the lines this, this, this. So, तो तो ये का, का काम करेंगे ठीक है उसके बाद फिर x-axis को बेस मानना है है ना x-axis के ऊपर वाला एरिया चाहिए और इसके नीचे वाला एरिया चाहिए तो so, सबसे पहले तो ये सोचना है कि y equal to modulus x plus one वाला ग्राफ कैसे बनेगा पता है y इक्वल टू मॉड्यूल एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनता है ये पता लगाना पहले तो कैसे बनेगा बताओ पहले इसको इस फंक्शन को खोल सकते हो ये पॉजिटिव में खुलेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन क्यों बेटा अंदर वाले को जीरो अप करते हैं यानी कि अंदर वाला क्या है एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू है ना और फिर माइनस ऑफ एक्स अंदर वाला इज लेस देन जीरो और इसको सॉल्व कर दें तो इसमें वन उधर जाके माइनस वन इसमें वन उधर जाके माइनस वन तो इसको सॉर्ट आउट कर दें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और एक्स लेस देन माइनस वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स लेस देन माइनस यानी कि ब्रेकअप माइनस वन पे हुआ है ठीक है माइनस वन से राइट साइड पे पॉजिटिव एंड माइनस वन से लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव तो ये हो गया कर तो यानी कि आपका जो वी शेप्ड ग्राफ बनता है मॉडुलस वाला वो अमूमन जीरो पे घूमता है मतलब ओरिजिन पे अब की बार आपको कहाँ पे उसको फ्लक्चुएशन देना है माइनस वन पे ठीक है इस जगह से समझ गए इस जगह से वो फोर्टी फाइव डिग्री बनेगा फोर्टी फाइव डिग्री वाला इधर उधर लेकिन जो है जीरो से नहीं होगा माइनस वन से होगा फोर्टी फाइव डिग्री लगने रही है तो ऐसा ठीक है अभी लग रहा है ठीक है समझ आया तो ये तो हो गया मेरा मॉडुलस का काम अब एक्स एक्सेस बनी हुई है अब ऑर्डिनेट्स बनाने एक्स बराबर माइनस फोर और एक्स बराबर टू तो एक्स बराबर टू तो बनेगा कहाँ फर्स्ट पॉर्टेंट में तो ये वन बनाया है, तो ये वन और ये टू लगभग यहाँ पे और उधर क्या है माइनस फोर माइनस फोर तो ज्यादा ही दूर रहेगा ठीक है थीके? तो अंदाजे से बना लेते हैं काम करते हैं तो लेट से ये तो हो गया मेरा टू है ना अब फोर वैसे ज्यादा दूर रहेगा लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में बना देता हूँ माइनस फोर, फोर कॉमा so, जीरो माइनस वन कॉमा जीरो और ये जीरो इसके वैसे रोल है नहीं हटा उसको ना ठीक है तो इस इस एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट्स बना दिए मैंने ऑर्डिनेट्स मतलब क्या होते हैं वाई एक्सिस से पैरल लाइन से ऑर्डिनेट्स होते हैं यानी दीवारें होती हैं ऑर्डिनेट्स ये ऑर्डिनेट्स बना दी कोऑर्डिनेट्स बना दी तो उसके बीच का एरिया यू कैन सी ये वाला एरिया है ठीक है ये वाला एरिया इन कॉम्बिनेशन विथ दैट ट्रायंगुलर एरिया दो ट्रायंगुलर एरिया है हमारे पास है इमेजिन करो इंटीग्रेशन की ये पाबंदी नहीं लगाता तो कितना सरल होता है क्वेश्चन होता ना बट उसने सबसे पहली लाइन क्या लिखी पहला टर्म ही क्या लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन तो ये एरिया फाइंड आउट करना है अपने को ओके okay. इसकी डेफिनेशन देखते हैं इस वाले कर्व की डेफिनेशन हो जाती है ये माइनस वन से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव है माइनस वन से लेफ्ट साइड ये क्या है नेगेटिव तो इस वाले कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाती है वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन यानी माइनस ऑफ एक्स प्लस वन लाइक दिस और उस वाले कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाती है ये माइनस वन से राइट right साइड में पॉजिटिव है तो इस वाले कर्व की डेफिनेशन हो जाती है वाई इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स प्लस वन ठीक है तो इस वाले के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाले के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे इस इस अच्छा, तो चाहे से, से आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हो बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर क्योंकि अल्टीमेटली से तो ऊपर है ठीक है ना तो मॉडुलस वोडलस यहाँ कहीं नहीं लगेगा सीधे एरिया निकाल दू मैं आप क्विकली नाम दे दो कुछ बस इनको तो क्या नाम दो के देखो ए बी सी डी ई तो टोटल एरिया बताओ रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया का तो नामकरण कर देते हैं पहले हाँ बताओ अब रिक्वायर्ड एरिया का एक सिंगल तो बाउंड है ही नहीं वैसे भी वो वैसे भी समथिंग प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा तो नाम फिर ए ही रखो उसका है ना क्योंकि एक सिंगल एरिया में तो बाउंड हो ही नहीं रहा ना कि एक सिंगल नाम रख दो उसका ठीक है तो एरिया इसको बोलो क्या कहेंगे एबीसी ए ए बी सी ए प्लस उसको क्या कहेंगे सी डी ई सी सी डी ई सी चलिए तो करते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट इंटीग्रेशन माइनस फोर से माइनस वन और ये वाला कर क्या है लेट से इस वाले कर को ले लेते हैं ऑफ़ uh, एक्स लो क्योंकि में ये है, इसको ले लो और इस वाले, कर्व को, वाले को क्या ले लो? ना दो डेफिनेशन है ना वाई की एक बार ये एक बार ये तो जब ये डेफिनेशन है उसको एफ ऑफ़ एक्स ले लो तो इस वाली डेफिनेशन में इसका नाम क्या रखा है अपन ने एफ ओफ एक्स और इस वाली में क्या रखा है अपन ने जियस तो यहाँ पे प्लस जब आप माइनस वन से टू वाली लिमिट को सोल्व कर रहे हो तो जी ऑफ़ एक्स डीएक्स ठीक है तो माइनस फोर से माइनस वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस इन टू डीएक्स प्लस यहाँ पे माइनस वन से टू और इसकी डेफिनेशन क्या थी एक्स प्लस वन डीएक्स करते हैं सोल्यूशन पार करो इंटीग्रेट क्विकली इनको सो माइनस तो लगेगा एक्सक्वायर बाय टू प्लस एक्स ठीक है और इस पूरे पे लिमिट लगाइए आप माइनस फोर से माइनस वन इधर आओ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स और इस पूरे पे लिमिट लगाइए जरा माइनस वन से टू फुट करें वैल्यूज चलो वैल्यूज वैल्यू अप करते हैं आइए सो so, कैसे करेंगे बताओ माइनस तो लगेगा ही लगेगा माइनस तो लगेगा ही लगेगा अब माइनस वन लगाओ फिर माइनस फोर लगाओ तो ब्रैकेट लगा दो ये वाला ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना माइनस बाहर लगाओ ब्रैकेट लगाओ ठीक है तो माइनस वन पुटअप करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर एंड वन बाय टू प्लस फिर तो ये माइनस वन पुटअप करेंगे तो माइनस वन माइनस वन पुटअप करेंगे तो माइनस वन ठीक है आगे बढ़ते हैं अब फिर एक माइनस तो लगता ही है और फिर माइनस फोर का स्क्वायर यानी कि सिक्सटीन बाई टू एट और फिर यहाँ पे माइनस माइनस लगेगा और ये प्लस फोर हो जाएगा yes. अगर नहीं आ रहा तो हमने गलती है क्योंकि हम एक्स नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना तो ये सब कुछ सोल्व करने के बाद ये पॉजिटिव आना ही चाहिए ये हम, हमारे जहन में होना चाहिए सोल्व करते टाइम इधर आओ ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा ही आएगा ना सो टू स्क्स टू माइनस माइनस वन का स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन हो जाएगा ठीक है चलो सॉल्व करो करो भाई तो माइनस वन माइनस एट माइनस नाइन माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस हाफ माइनस फाइव प्लस हाफ माइनस नाइन बाय टू माइनस नाइन बाय टू यानी माइनस साढ़े चार और माइनस नाइन बाय टू क्या आ गया एक और माइनस का ओवरऑल प्लस आया नहीं आया आया ना इधर लिख देता हूँ क्या आया प्लस नाइन बाय टू प्लस। और ये तो आएगा दो, दो, तो है। अच्छा, है चार, चार दो तीन का गैप है ना तो बेस बराबर है और हाइट तो ऑब्वियसली बराबर है ही सही, क्योंकि 45 डिग्री पे ही तो चल रहे हो आप तो ऑर्डिनेट्स बराबर हाइट पे तो टकराएंगे जब ये इंक्लिनेशन ही सेम है तो है ना सो so, बेस भी सेम हाइट भी सेम तो एरिया दोनों का बराबर आ रहा है बिल्कुल आना भी चाहिए नाइन स्क्वायर यूनिट्स इसका फाइनल आंसर किसने किया था अटेम्प्ट दोनों में से किसी ने नहीं, नहीं किया <laughs> क्या सेकेंड वाला कर रखा है ना मतलब आंसर फर्स्ट का में मतलब okay, अच्छा आंसर <laughs> इसका मैच हो रहा है तो अभी क्या बता का भी वो आ जाए ले। वो नहीं है आपने इसमें देख लिया चले सेकंड क्वेश्चन पे फिर यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड अगेन मॉडुलस का क्वेश्चन है तो ये पूरा क्वेश्चन मॉडुलस को समर्पित है एक तरीके से तो अब इस मॉडुलस को सॉल्व करना सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी चुनौती है ना वाईक्वल टू ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन देखो अगर इसको सपोज करो अभी तो डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन एक बार के लिए सपोज करो मुझे नहीं पता कोई डायरेक्ट ट्रिक तो मेरे को प्लस माइनस करना तो आता है ये फंक्शन है सो so, मेरे को फंक्शन को खोलना तो आता है भाई एक्स प्लस वन की तरफ खुलेगा वो ठीक है जब एक्स प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की वैल्यू एक्स प्लस क्या हो गया X की ठीक है. और ये X की खुलेगा जब अंदर वाले की वैल्यू लेसो यानी लेकिन दोनों के आगे प्लस वन प्लस वन भी तो है ये तो मॉडुलस खोला है ना ओनली तो इसके आगे प्लस वन इसके आगे प्लस वन वो तो कॉपी पेस्ट होगा ना अब इस पूरे को सॉल्व करो तो एक्स प्लस वन प्लस वन क्या हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा ये ये और इसको करो जरा तो minus X, minus 1, plus 1. तो कैंसिल आउट सो बनेगा के हिसाब से एक बार कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ मैं माइनस वन से राइट right साइड में एक्स प्लस टू वाला ग्राफ बनाना है और माइनस वन से लेफ्ट साइड में माइनस एक्स वाला ग्राफ बनाना है मुझे ओके? ओके, okay. so पिछली बार भी भी पे ही था, अभी भी fluctuation का है minus one. ये minus one हो गया मेरा, अब सुनो माइनस वन से लेफ्ट साइड बना दो पहले राइट uh, साइड right बनाते चलो माइनस वन से राइट right साइड में कैसा ग्राफ बन रहा है एक्स प्लस टू तो आप खुद सोचो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाला ग्राफ कैसे बनेगा ई इंटरसेप्ट को टू पे काटेगा और स्लोप वन बनेगा उसका बनेगा नहीं बनेगा ठीक है तो वाई इंटरसेप्ट को या फिर टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म भी अगर बनाने लगू तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर टू डिडिंग बाई टू करेंगे तो माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन और फिर फर्दर सॉल्व करें तो ये प्लस नीचे लगा दूं तो एक्स 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 इंटरसेप्ट माइनस टू है प्लस टू है तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस टू ये माइनस वन बनाया ना मैंने तो माइनस टू हो गया और वाई इंटरसेप्ट क्या है प्लस टू तो वन टू तो इसको और इसको छूती हुई लाइन जाएगी वो बनेगा एक्स प्लस टू वाला ग्राफ ठीक है देखते हैं इधर देखो स्क्रीन पे ये बन गया मेरा ये वाला ठीक है ये बन गया मेरा फर्स्ट डेफिनेशन वाला ग्राफ नाउ लेट अस टेक द सेकंड डेफिनेशन वाला ग्राफ तो सेकंड डेफिनेशन वाला ग्राफ क्या सेक्स वाई बराबर था एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन होती है 45 डिग्री वाली और y एंगल बनाती हुई ऐसी लाइन होती सौ पैंतीस डिग्री जस्ट नाइनटी डिग्री प्लस करते हैं ना वो तो ऐसे बनती थी फोर्टी फाइव डिग्री पे और ये कैसे बनेगी ऐसे बनेगी तो ऐसी वाली लाइन बना देता हूँ ये तो पता भी होना चाहिए वाई बराबर माइनस एक्स कैसा ग्राफ है नहीं तो इसको भी सोल्व दो चलो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बनेगा जीरो इसको तो आप उसमें टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये कभी वन आ ही नहीं सकता है ना तो इसको आप स्लोप इंटरसेप फॉर्म में सॉल्व करोगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं एम एक्स प्लस सी से तो एम की वैल्यू माइनस वन तो स्लोप माइनस वन यानी कि ए वाला ग्राफ माइनस का मतलब प्लस का एक सौ पैंतीस डिग्री और सी यानी कि जीरो तो जीरो से गुजरता हुआ जाएगा वाई इंटरसेप्ट जीरो है और एक सौ पैंतीस डिग्री वाला ग्राफ है और अल्टीमेटली आपको याद होना चाहिए वाईक्वल टू माइनस एक्स कैसा ग्राफ होता है ऐसा होता है ठीक है एग्जैक्टली एक सौ पैंतीस डिग्री बनाने वाला ठीक है तो ये दो ग्राफ्स बन गये। बन गए गए ये क्लैश इस जगह पे एक्चुअली है ना इसको मैं इसकी सीट में कर देता हूँ इस जगह पे क्लैश है ना ये है माइनस वन देखो अब माइनस वन से लेफ्ट साइड में आपको ग्राफ कैसा लेना है माइनस वन से लेफ्ट साइड में ग्राफ कैसा लेना है माइनस एक्स इन दोनों में से माइनस एक्स वाला ग्राफ कौन सा तो यानी कि ये वाला डेफिनेशन हो जाएगी वाई बराबर माइनस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स वेन आई एम टेकिंग द माइनस वन से लेफ्ट साइड वाला एरिया और माइनस वन से राइट साइड वाले एरिया में डेफिनेशन कौन सी है हमारी एक्स प्लस टू और वो वाला ग्राफ कौन सा है ये जो पहले बनाया था तो ये वाली हमारी डेफिनेशन हो जाएगी वाई बराबर एक्स प्लस टू जब मैं इसके इधर ले रहा हूं यानी कि माइनस वन से लेफ्ट साइड में ये वाला है तो माइनस वन से ये वाला ग्राफ मतलब मेरे किसी कंपनी है ना समझ गए ना ठीक है और माइनस वन से राइट साइड में ये वाला है तो ये वाला ग्राफ मेरे किसी का नहीं है समझ तो तो ग्राफ तो वी शेप बनेगा ये? बनेगा ही मॉडुलस अब आप इमेजिन कर लो कैसा ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ ठीक है तो फ्लक्चुएशन तो माइनस वन पे हो रहा है वो तो दिख रहा था एक्स की वैल्यू माइनस वन पे ब्रेक हो रही है तो फ्लक्चुएशन तो माइनस वन पे हो रहा है अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखो आप सीधे सीधे अंदर वाले की वैल्यू जीरो रखो फ्लक्चुएशन तो माइनस तो तो वन तो तो पे होगा मॉडुलस का ये तो पता चल गया लेकिन वो माइनस वन को पूरा नहीं छुएगा क्योंकि आगे प्लस वन है तो एक कदम ऊपर वेरी इजी माइनस वन होता तो इसके नीचे सूता एस ठीक है तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम ग्राफ बनाएंगे ये सब आपको सिखाने के लिए था एग्जाम में उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने ग्राफ कैसे बनाया उसको बस ये मतलब है कि आपने ग्राफ करेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया ओके तो ये सब कुछ हटा दूं ग्राफ बनाना ही वो सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में तो आगे तो इंटीग्रेशन पार्ट तो काफी सरल दिखाई दे ही रहा है चलिए तो ये वाला ग्राफ है ना जो रेड पार्ट में बना हुआ है ठीक तो है ये वाला तो, एस, ये है, वाई तो प्लस टू। अच्छा जी, है वो देख लो ये तो अभी तक अपन नेक्स बराबर माइनस थ्री और एक्स बराबर थ्री और लाइन वाईक्वल टू तो जीरोस होती है कन्फ्यूज मत हो जाना वाई इक्वल टू तो जीरो क्या होती है एक्स एक्सेस होती है तो एक्स एक्सिस और माइनस थ्री और प्लस थ्री ठीक तो है माइनस थ्री प्लस थ्री मार्क करो कहा आएंगे प्लस थ्री तो कहीं भी मार्क कर लो अंदा से यहाँ आ रहा है वो है ना वन टू थ्री करके है ना और ये हो गया प्लस थ्री और ये माइनस वन था ये क्या था माइनस टू था ये हाँ ने लाइन बनाई थी तो चेक किया था और तो ये हो जाएगा मेरा माइनस थ्री अंदाजे से स्कूल मार्क कर लो इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो और ये बन गया मेरा रिक्वायर्ड एरिया ठीक है दिस इज माई रिक्वायर्ड एरिया समझ पाए शेड कर दे ठीक है और कंटिन्यूस एरिया है दो तो पार्ट्स में ब्रेक हो नहीं रहा तो लिमिट पूरी थेट से ले थेट तक ले लेंगे ब्रेक करने की नहीं लेकिन ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कर चेंज हो रहा है ना फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी होगा माइनस वन पे ऑब्वियस बात है ना तो ये एरिया चाहिए आपको ठीक है तो ब्रेक कर दो फटाफट यहां पे ब्रेक हो जाएगा फाइन यहां पे ब्रेक हो जाएगा तो नामकरण कर देते हैं देखो ए ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो ये क्या था माइनस थ्री तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस थ्री कॉमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट्स ये बी ले लो इसके कोऑर्डिनेट्स से मेरे कोई को इंटरेस्ट नहीं है इसको ले लो सी इसके कॉर्डिनेट्स से भी इंटरेस्ट नहीं है और इसके कोऑर्डिनेट्स डी ले लो ये है माइनस वन कॉमा जीरो देन ए बी सी डी अब क्या लूँ इसको ले लो ई e, इसके कोऑर्डिनेट्स से मुझे इंटरेस्ट नहीं है एफ एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है थ्री कॉमा ठीक है तो माइनस थ्री से माइनस वन तो इंटीग्रेट करना है किसको y इक्वल टू माइनस एक्स को और माइनस वन से थ्री को इंटीग्रेट करना है किसको को चलो शुरू हो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू तो. मॉडुलस वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें मॉडुलस का ग्राफ बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी उस क्वेश्चन में और कोई कर्व नहीं होगा जिससे आपको दिक्कत आए ठीक है रिक्वायर्ड एरिया पूरा नाम रख सकते हैं आपकी बार क्योंकि कंबाइंड है ना ब्रेक नहीं है तो पूरा नाम रख दो तो ए बी सी ई एफ डी ए ठीक है बोलो ए बी सी डी नहीं है ई e. E, पूरा एरिया की बात कर रहा हूँ ए बी सी ई के बाद एफ एफ के बाद डी एंड डी के बाद ए ठीक है अब इसको ब्रेक करो तो इट इज लाइक एरिया इधर वाला एरिया बताओ क्या होगा ए बी सी डी ए ए बी सी डी ए इधर वाला एरिया क्या होगा सी डी एफ ई सी या डी से शुरू कर दो तो डी एफ डी एफ ई सी डी ठीक है चलो लेट्स गो टू द इंटीग्रेशन पार्ट माइनस थ्री टू वाइनस वन तो फंक्शन इसको अपन ने क्या लिया लिया नहीं अभी तक कुछ भी तो इसको ले लो एफ एक्स बराबर माइनस एक्स और इसको ले लो जियस बराबर एक्स प्लस टू जो भी नाम रखा वो यहाँ रख दो कई कई जगह बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है FX, नहीं लेना है ना, तो ऐसे ले लो देखो कैसे Y1, Y2. तो इधर लिख सकते हैं अपन हो सकता है आपके स्कूल में भी ऐसे कराया कई जगह मैंने देखा है, है? Y1, Dx और पे Y2, Dx. क्योंकि जरूर थोड़ा एफ एक्स लेके अपन वाई डी एक्स भी लिखते हैं इंटीग्रेशन में अपन भी लिखते हैं तो वाई वन डीएक्स वाई टू डी एक्स तो वो भी एक तरीका है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी हमने क्या पैटर्न पकड़ा हुआ है एफ एक्स डीएक्स का और डीएक्सए का प्लस माइनस uh, वन से प्लस थ्री जीओ एक्स टी एक्स और कहीं भी मॉडल नहीं लगेगा क्योंकि ऑल ओवर हम एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी एफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स देखो ओवर ऑल दो ये माइनस एक्स है ना ऑल दो ये माइनस एक्स है लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव आएगा है ना ठीक है ना वो हमको बताना चाहिए तो माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है आपको माइनस थ्री से माइनस वन क्योंकि वो लिमिट से कुछ इस तरीके से सेट है कि इसका आंसर एक पॉजिटिव एरिया निकाल के देगा माइनस वन से थ्री और इसकी वैल्यू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स चलिए तो माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस एक्स एक्सक्वायर बाई टू होता है और इसको आपको माइनस थ्री से चाहो तो माइनस बार भी निकाल सकते हो चाहो तो अंदर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्सक्वायर बाई टू प्लस टू एक्स और यहाँ पर हमको माइनस वन से प्लस थ्री चलो नेक्स्ट वेज पर चलेंगे या चलो इधर ही कर लेंगे हाँ

टू ठीक है इस पार्ट का एरिया नाइन बाय टू माइनस वन बाय टू यानी कि एट बाय टू यानी कि फोर और इस पार्ट का एरिया यानी कि बोलो नाइन बाय टू माइनस वन बाय टू यानी एट बाय टू यानी फोर तो ये हो गया चार और छह दस और दस और दो बारह ठीक है हाँ हाँ टोटल तो फिफ्सटीन ही आएगा ना सिक्सटीन स्क्वायर यूनिट्स कोई और डाउट है यह बताओ अच्छा और अगर इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते तो हैं तो, तो ये की निकालनी पड़ेगी है तो छोड़ो उसमें क्या फंसना आपने को चाहो तो निकाल सकते हो फिर तो उसके लिए वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा ये ये, ये तीन चीजें तो सिक्सटीन स्क्वायर द फाइनल आंसर हुआ किसी का मैच अच्छा क्या गलती कर दी इसने जीरो से कंपेयर करते हो आप अंदर वाला नहीं देखते हो जब मॉडुलस एक्स होता है तो जीरो से कंपेयर होता है जब अंदर कुछ और है जैसे प्लस वन है तो माइनस वन से माइनस वन है तो प्लस वन से मान लो प्लस थ्री है तो माइनस थ्री से ठीक है कर पा नहीं तो इतनी सारी गलतियां कैसे कर रहे हो अनुष्का हम्म अब तो कुछ टाइम ही नहीं है हमारे पास कोई चीज को uh, रिवाइज करने का सो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ठीक है आज जाके पूरा पेपर फिर से टाइमर लगा के सेट करके वापस से देना है अपने आप से बात करके ठीक है थर्ड फाइंड दे आप भी दे सकते हो फिगर भी करेक्ट नहीं है एक नंबर वो भी गया आधा नंबर दे दो ओवरऑल सॉल्यूशन चलो एक नंबर दे दे ओवरऑल नंबर फाइन द एरिया बाउंडेड बाय द वाई इक्वल टू एक्स बिटवीन एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आई टू एक ऑर्डिनेट है और एक्स इक्वल टू टू पाई दूसरा ऑर्डिनेट है बाउंड्रीज मिल गई अपने को एक तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव टू और एक, एक, एक दूसरा जो है वो एक्स इक्वल टू टू है ना हुँ. और कॉसेक्स का ग्राफ पता है होपफुली आपको बोलो ये भूल गए याद है कैसा बनता है बताओ फिर कहा से स्टार्ट होता है ऊपर से स्टार्ट होता है लाइक दिस ये पाए टू देन आते आते ये थ्री पाए टू. नहीं ये पाए, ये पाए ये थ्री पाए बाय टू और कहां तक जाना है टू पाए तक जाना है ओके तो फिर ये हो जाएगा टू पाए ठीक है और इधर नेगेटिव साइड पर कहां तक जाना है माइनस फाइव बाई टू तो ये जीरो है तो ये होगा माइनस फाइव बाय टू डेट्स इट तो यहां से लेकर कोऑर्डिनेट्स कहां से कहां तक है? X two, ये दीवार एक तो, है एक्स एक्सिस वाई एक्सेस कुछ भी मतलब नहीं, नहीं दे रखा तो आपको सिंपली बस ये कर्व ने कह कौन सा एरिया कवर किया उसको निकालना है तो ये कर्व जब चला माइनस फाइव बाई टू से यू घुमा यू घुमा तो इसने कौन कौन सा एरिया बाउंड किया है ना उसको निकालना है सो so इमेजिन कर पा रहे हो कौन सा एरिया है किया था ये वाला ये वाला एरिया उसने कुछ नहीं कहा ना फर्स्ट सेकंड सेकेंड फोर्थ क्वार्टर, कुछ भी नहीं कहा वो आखिरी वाला नहीं किया ये वाला एरिया भी आएगा जो निकालना है एंड आ जाइए आगे फिर हमको ये वाला एरिया भी निकालना है सारे एरिया निकालना है ठीक है फाइन बोलो गलत कर दिया क्यों आपको क्यों लगा लिखा है इधर ऊपर ऊपर वाला कहीं इधर कहीं लिखा है फर्स्ट क्वारेंट एंड सेकंड क्वारेंट निकालना थर्ड वाला या फोर्थ वाला मत निकालना नहीं लिखा ना ऑल द एरिया हो गए, देखते हैं चलिए तो ठीक है ना ये वाला एरिया चाहिए अपने को आ जाइए तो ये तो है ये वाला ऑर्डिनेट क्या है बताओ माइनस फाइव और आखिरी वाला टू पाए सो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय टू कॉमा माइनस फाइव बाय टू कॉमा जीरो ठीक है उसके बाद आ जाओ ये वाला पॉइंट क्या होगा फाइव आई टू कॉमा जीरो फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ थ्री पाई बाय टू कॉमा जीरो और लास्ट वाला क्या हो जाएगा टू पाए मतलब टू पाए कॉमा जीरो ठीक है ना ओके अब इसको निकालने के तरीके सुनो पहला तरीका तो है कि प्रॉपर इंटीग्रेशन से चलो y इक्वल टू कॉसेक्स को आपको इंटीग्रेट करना है हर जगह एक ही कर्व है और कोई कर ही नहीं है आर पार एक ही करवाई इक्वल टू कॉसेक्स तो एक तरीका तो यह है कि आप इस कर को इंटीग्रेट करो माइनस पाए बाय टू से लेके पाई बाय टू उस समय हम एक्सेस से ऊपर है तो मॉड्यूलस मत लगाओ फिर दोबारा करो से टू। उस समय हम एक्स के नीचे हैं तो फिर क्या कर दो उसको लगा के तीन पार्ट में करो जिसमें पहला और तीसरे पार्ट पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है थर्ड पार्ट पे मॉडुलस लगाने की जरूरत है बिकॉज उस समय हम एक्सएक्सिस के नीचे एक तरीका तो ये और दूसरा और उससे सबसे आसान तरीका बताऊ आप इसको जस्ट इस वाले पार्ट का एरिया निकाल के और पांच गुना कर दो तो हो गया ना काम सिमेट्रिक है ना जस्ट फाइंड दिस एरिया और इसी को क्यों कर रहे हो क्योंकि फर्स्ट में हम फर्स्ट क्वार्टेंट को मैं प्रेफर करता हूँ फर्स्ट क्वार को प्रेफर करता हूँ यानी जीरो को जीरो है ये तो जीरो से लेके पाइबा टू तक निकाल के मैं पांच गुना कर दू देखो एक दो और इसको भी मैं पार्ट्स में तोड़ू तो तीन चार और ये पांच पांचों एरिया बराबर है या नहीं है नीचे लटके हुए हैं ऊपर लटके हुए इस बात को मद्देनजर मत देखो एरिया वाइज ये बराबर है या नहीं है बोलो एक दो तो, तीन चार पांच है ना तो उसका पांच गुना कर दो हम करते ही ना काम तो को यूज करते ही है ना कई बार सेकंड क्वार में होता है तो हम फर्स्ट का निकाल के दुग्ना कर देते हैं चार गुना कर देते हैं तो वाई नॉट इन दिस क्वेश्चन जब उस जगह करते हैं तो इस जगह भी कर सकते हैं ठीक है तो पांच गुना कर दे है ना क्लियर है चलो सो इसका एरिया हम ऐसे निकालेंगे हम केवल इस एरिया को बाउंड कर देते हैं जीरो इसको तो मतलब ओ इसको ले लेते हैं ए इसको ले, ले लेते हैं बी सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ये सबसे आसान तरीका इसको अटेम्प्ट करने का ओके रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स ऑफ एरिया नाम बोलो ओ ए बी ओ ओ ए बी ओ ठीक है सो इट इज लाइक फाइव टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके फाइव बाय टू और फंक्शन तो मेरा पॉस एक्स है ही सही Cosics का इंटीग्रल बोल दो साइन एक्स तो फाइव टाइम्स तो बाहर रखो और साइन एक्स पे आप लिमिट लगा दीजिए जीरो से लेके पाई बाय ठीक है तो फाइव साइन पाई बाय टू क्या होता है एक एक स्क्वायर यूनिट एरिया एक स्क्वायर यूनिट एक स्वायर अब आपका शायद तीन स्क्वायर यूनिट आ रहा होगा क्योंकि आपने नीचे के दो एरिया काउंट नहीं किया टू स्क्वायर यूनिट्स कैसे आ रहा है वो आखिरी वाला भी काउंट ही है केवल इतना ही काउंट किया देखो तो एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें है एक इसमें टोटल पांच है ना तो आपका टू कौन सा आपने दो कौन से लिए देखो माइनस फाइव बाय टू से प्लस टू पाए चाहिए था आपने को पाए बाय टू से टू पाए क्यों किया आपने पाए बाय टू से टू पाए इसके इधर कुछ नहीं किया आपने माइनस पाए बाय टू लिखा हुआ है ना इसको आपने माइनस को नहीं पढ़ा क्या माइनस पाए बाय टू से आपने टू पाए कहाँ किया आपने तो पाए बाय टू से किया है इसमें पाए बाय टू से टू पाए ये अच्छा नीचे माइनस अच्छा नीचे लगा दिया माइनस पता नहीं क्या क्या फिगर के भी आधे नंबर ही मिलेंगे है ना एक नंबर पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि पेन से बनाया और उसके बाद आधा नीचे तो ओवरऑल एक नंबर दे दो इसने क्या किया यही नहीं है ठीक है चलिए ठीक है ना एंड इन केस मैं पूरा ही करता तो फिर क्या होता जल्दी से बता दो तो रफली फिर उसमें आपको साइन एक्स की वैल्यूज अलग अलग क्वाड्रेंट में सोचनी पड़ती ठीक है ना कैसे माइनस फाइव टू से फाइव बाय टू इंटीग्रेशन माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाय टू तो मैं कॉसेक्स डी को इंटीग्रेट करता ठीक है प्लस देन फिर मैं क्या करता फाइव बाय टू से थ्री फाइव बाय टू करता समझे थ्री फाइव बाय टू करता कॉसेक्स डी को ही करता लेकिन क्योंकि ये नीचे लटका हुआ एरिया है एक्स से नीचे तो इस पर लगता है क्योंकि ये एरिया अंदर से अंदर नेगेटिव आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा और फिर उसके बाद अगेन में एक लास्ट वाला पार्ट वाला एरिया जो कि थ्री पाए बाय टू से लेकर टू पाए तक जा रहा है कॉसेक्स टी एक्स फिर एक से करता समझ गए तो उसमें क्या होता है कॉसेक्स का इंटीग्रल साइनेक्स होता है ना तो साइनेक्स की वैल्यू पाए बाय टू माइनस पाव बाय थ्री पाए बाय टू पाए बाय टू टू पाए थ्री पाए बाय टू करीब करीब हर क्वाड्रेंट में सोचनी पड़ती तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है है ना ये पहली बात तो याद हो जल्दी जल्दी याद हो भाई ऐसे सोच के तो याद हो जाती है लेकिन जल्दी से याद हो जैसे साइन थ्री पा बाय माइनस वन है ना ये जल्दी से याद हो तो तो बात अलग है फिर तो जल्दी से कर दोगे आप तो कुल मिला के फिर भी सब कुछ आता हो ये सॉल्व करना आता भी हो ना तो भी तीस नहीं बनना वहाँ पे जाके हमारा टाइम जहाँ सेव होगा हमको सेव करना है हमको इसी सेमेट्रिसिटी को हमेशा यूज करना है ठीक है पांच गुना कर देना है इसका ठीक है चले नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन so, नंबर अभी कौन सा किया थर्ड का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज द पैराबोला आ गया अब, अब सरल क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन और पैराबोला भी कैसा है 4Y बराबर 4Y तो इसको में जो हमको पसंद है उसमें कन्वर्ट कर दू फोर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी हो जाएगी बताओ एक्सक्वायर इक्वल टू थ्री फोर बाय थ्री वाई है ना एक्सक्वायर इक्वल टू से कंपेयर करो एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन अपवर्ड फेसिंग है ना एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव सो दैट मीनस इट विल बी एन अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ठीक है और पैराबोला तो जब भी आएगा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला ही आएगा जो ओरिजिन से पास हो इससे ज्यादा हमारे कोर्स में है है ही ठीक सो ये बन गया पैराबोला स्ट्रेट लाइन कौन सी है थ्री एक्स माइनस स्ट्रेट लाइन भी थोड़ी सी दिखने में भयानक से दिख रही है पर शॉर्ट आउट कर लेंगे बोलो क्या है थ्री एक्स माइनस टू वाय प्लस ट्वेल्व इक्वल टू थी राइट तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं मैं इसको सीधे सीधे है ना कर दू तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे तो ट्वेल्व को उधर भेजो पहले तो थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे माइनस ट्वेल्व से डिवाइड करना पड़ेगा तो थ्री एक्स को माइनस ट्वेल्व से डिवाइड कराएंगे तो एक्स के नीचे माइनस फोर बचेगा ठीक है माइनस ट्वेल्व वाई को माइनस ट्वेल्व से डिवाइड कराएंगे तो नीचे माइनस वन बचेगा और ये माइनस को मिला के नीचे प्लस वन हो गया समझिए और उधर वन सही है क्या ठीक है ना अभी माइनस फोर एल्सीम ले तो माइनस फोर से सबको मल्टीप्लाई करा दे तो क्या हो जाएगा ये गलत लग रहा है ना पता नहीं क्यों मतलब फिगर्स चेंज कर दिए इसके डेटा चेंज कर दिया ठीक है नहीं अभी आप ये देखो ये सही है कि नहीं है ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व से डिवाइड कराएंगे तो माइनस ट्वेल्व बाई थ्री माइनस फोर होता है और फिर माइनस ट्वेल्व बाई माइनस ट्वेल्व वन होता है करेक्ट है कोई गलती नहीं ठीक है ठीक है ना भाई माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री कराओगे इधर फोर लाने के लिए और ये माइनस ट्वेल्व है तो माइनस ट्वेल्व बाय माइनस ट्वेल्व कराओगे तो प्लस वन आए ठीक है थीके? सो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन यानी कि एक्स इंटरसेप्ट है माइनस फोर एक्स एक्सिस को माइनस फोर पे टच करता है और वाई इंटरसेप्ट है प्लस वन तो इस हिसाब से लाइन की इक्वेशन बनने में थोड़ी हिंट मिल गई मुझे मान लो प्लस वन तो यहाँ है और माइनस फोर जाना है तो वन टू थ्री फोर लगभग यहाँ पे अंदाजे से तो इन दोनों को छूती हुई एक लाइन बना दू मैं स्ट्रेट लाइन तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन कैसे लाइन बनेगी उसमें ये पता चल जाता है ठीक एकस है बाकी स्लोप में कुछ एक्स वाई एक्सेस कुछ भी नहीं दे रखा बस सीधा सीधा क्या दे रखा है कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच की इक्वेशन तो पैराबोला और पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया तो भैया ये है क्योंकि एक्स वाई एक्सेस कुछ दे रखे आपको तो इन दोनों के बीच का एरिया पूछा तो इन दोनों के बीच का एरिया तो यही होगा ना बिटवीन बिटवीन दोला तो ये एरिया निकालना है अब बताओ स्ट्रेटेजी तो ये एरिया यहां से लेके यहां तक जाता है यहां से लेके अरे यहां से लेकर और यहां तक यहां से लेकर और तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे दोनों और फिर वो तो बनेंगे हमारे लिमिट्स वो तो बनेंगे हमारे लिमिट्स एंड ये एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो देखो लाइन को इंटीग्रेट करो ओवरऑल पूरी लिमिट में और फिर कर्व को इंटीग्रेट करो पूरी लिमिट में कर के नीचे का एरिया पूरा आ जाएगा ना ये वाला व्हाइट तो जो छोटा सा प्लेट पार्ट का एरिया इधर दिख रहा है और ये ब्लैंक पोर्शन यहाँ दिख रहा है दोनों एरिया आ जाएगा टोटल कर को इंटीग्रेट कर दो तो लाइन की इक्वेशन माइनस कर्व की ठीक है तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाती है बोलो by x square. तो यहाँ से ये, ये, ये को ले लो आप लाइन है ना तो तो ये नावल टू थ्री बायर एक्स स्क् और यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो फिर अगेन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा वाई की वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे बोलो ट्वेल्व वाई इधर आएगा ट्वेल्व इधर आएगा तो ट्वेल्व वाई बराबर थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व फाइन तो वहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है ट्वेल्व से डिवाइड कराओ तो थ्री बाई ट्वेल्व क्या होता है x बाय फोर एक्स बाय फोर और ट्वेल्व बाई ट्वेल्व वन तो ये आ गया ठीक है ना हाँ एम एक्स प्लस सी में निकालते तो ये फायदा होता है कि दो दो चीजें निकालनी पड़ती स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही अपने को कर भी मिल जाता तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय फोर प्लस वन तो ये फंक्शंस तो मेरे दोनों डिफाइन हो चुके हैं एफ एक्स ये रहा जी ओफ एक्स ये रहा चलिए लिमिट्स निकालनी है उसको कैसे भूल तो ना। है ना क्लैश करवाना है चलिए तो कुछ मार्क ही नहीं किया अभी तक तो इसको ले लेते हैं ए बी देन सी देन डी एन ये तो ओ होता ही है इनके ए डी और ओ के तो कोऑर्डिनेट्स पता चली गए होंगे ए क्या था से लेके कहां तक शुरू कर रहे थे अपन अच्छा वही तो नहीं पता ए और डी के कोऑर्डिनेट्स ही तो नहीं पता है ना क्लैश करवाना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा तो देखो y की वैल्यू यहां से और y की वैल्यू यहां से करवा दो क्लैश क्योंकि y कोऑर्डिनेट से आपको दिलचस्पी नहीं है ना सो लेट दिस इक्वेशन वन एंड लेट दिस वी इक्वेशन टू इक्वेशन वन एंड टू में y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू करके फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू तो so, क्या करूं बोलो थ्री बाय इधर से वाई की वैल्यू क्या है थ्री बायर इक्वल टू उधर से वाई की वैल्यू क्या है? बोलो एक्स बाई फोर प्लस वन ओके तो मल्टीप्लाइंग थ्रू वोट बाई फोर तो इट इज लाइक थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू और इसको भी इधर इधर भी ले आओ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये फोर से मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा और माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो जगह क्लैश हो रहा है तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी आएंगी तो बताओ बारह चाहिए आपको प्रोडक्ट माइनस बारह चाहिए तो माइनस बारह लाने के लिए क्या करेंगे बोलो, लोग थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह लाओ प्रोडक्ट और सम माइनस वन लाओ तो माइनस चार प्लस तीन ठीक है ओके इट इज लाइक थ्री एक्स कॉमन थ्री एक्स माइनस फोर और यहां से वन कॉमन थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू वाट जीरो सो थ्री एक्स माइनस फोर और दूसरा फैक्टर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो सो यहाँ से एक्स की वैल्यू बोलो फोर बाय थ्री और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन अब ये तो कोई बेवकूफी पूछेगा कि सर फोर बाय थ्री इधर है या माइनस वन इधर है ना ये एक तो हो जाएगा माइनस वन और वो हो जाएगा डी फोर बाय थ्री बी और सी के कोर्डिनेट्स के पूरे से तो मतलब है नहीं एक्स कोर्डिनेट तो पता चली क्या तो ए के ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस वन कॉमा जीरो और डी के क्या हो जाएंगे फोर बाय थ्री कॉमा सी लिमिट्स मिल गई शुरू कर हैं इंटीग्रेशन पार्ट ठीक है ओवरऑल एरिया बताओ क्या कहेंगे हम बी ओ सी बी ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया दैट इज बोलो फिर से एरिया बी बी ओ सी बी बी ओ सी बी कहेंगे ना इक्वल टू एरिया लाइन के नीचे का एरिया बोलो लाइन के नीचे का एरिया बोलो ए बी सी डी ओ ए ए बी सी डी ओ ए बी सी डी ओ ए माइनस कर के नीचे का एरिया बोलो अब कर के नीचे का एरिया दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा है ना क्योंकि ये ओ पे बिल्कुल नीचे आ चुका है या फिर बिना उसको बोले भी कह सकते हैं देखो ए ओ डी सी ओ बी बोल तो सकते हैं ना बोल सकते हैं तो बोल दो ए ओ डी मतलब डिफाइन होना चाहिए पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कुल मिला के बाद इतनी है ना ए ओ डी सी ओ बी ए याद हुआ बोलो ए A ओ O बी ए डी सी ओ बी ठीक है तो फॉर्मेलिटी वैसे भी करना तो जो है वो मेन नीचे है आ जाओ तो ओवरऑल लिमिट माइनस वन से फोर बाय थ्री ले लेते हैं सबकी है ना माइनस वन से फोर बाय थ्री और ये ऊपर लाइन है लाइन को अपन एफ एक्स लिया ही होगा अगेन और ये जीओक्स लिया मर्ज भी कर देते हैं लिमिट कॉमन है दोनों की सो ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस वन से फोर बाय थ्री एफ एक्स की वैल्यू क्या है बोलो एफ एक्स या लाइन लाइन की इक्वेशन क्या है कहा लिखिए कहीं नी लिखी

थ्री बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाय थ्री थ्री से थ्री गया फाइनली माइनस एक्स क्यूब बाय फोर ठीक है ना लिमिट uh, लगाओ माइनस वन से फोर बाय थ्री तो पहले तो फोर बाय थ्री लगा दू लगाओ तो फोर बाय थ्री का स्क्वायर सिक्सटीन बाय नाइन डिवाइडेड बाय एट सिक्सटीन बाय नाइन डिवाइडेड बाय एट तो टू टाइम्स कट गया टू बाय नाइन है ना तो ये तो बन गया ओवरऑल टू बाय नाइन प्लस फोर बाय थ्री माइनस अब क्यूब करो तो फोर बाय थ्री का क्यूब सिक्सटी फोर बाय ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर तो सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन बाय ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन बाय ट्वेंटी सेवन चलो अब माइनस करने की बारी तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा वन बाई एट Then, फिर माइनस करूंगा लेकिन ये माइनस तो प्लस वन देन फिर अगेन माइनस करूंगा माइनस तो किस लिए करूंगा क्योंकि लोअर लिमिट है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा लेकिन फिर माइनस वन का क्यूब ओवरऑल तो माइनस है ना तो माइनस वन बाय तो समझ के करना है जैसे दो तीन स्टेप निकल तो कैलकुलेशन बड़ी हैक्टिक है एट नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन सब मिल गया इसमें तो एलसीएम क्या लू बताओ एंड ले लो उससे काम हो जाएगा 27 into 8, करना पड़ेगा है ना करो दो सौ सोलह से सब डिवाइड हो जाएगा करो नाइन से कितनी बार जाएगा करो नाइन टू जाटीन थर्टी सिक्स नाइन फोर जाए थर्टी सिक्स नाइन टू जाए बचा क्या थ्री थर्टी सिक्स नाइन फोर जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट थ्री से करो सेवेंटी टू सेवेंटी टू इंटू फोर करो टू एटी एट सही है फोर टू जाए फोर सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन से ये कितनी एट टाइम्स आएगा एट सेवन या फिफ्टी सिक्स रिमाइंडर फाइव टू जा सिक्सटी नाइट आएगा तो एट टाइम्स आएगा सिक्सटीन एट जा वन ट्वेंटी एट ठीक है ना माइनस एट से ये ट्वेंटी सेवन टाइम्स आएगा तो ट्वेंटी सेवन फिर ये पूरा का पूरा दो सौ सोलह और फिर फोर से कितनी टाइम्स आएगा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स या फिफ्टी फोर फाइव ट्वेंटी फिफ्टी फोर ठीक है चलो जोड़ बाकी करो बराबर तो प्लस प्लस वाले कितने कौन कौन से टर्म्स हैं ये तीन एक दो और ये तीन इनको जोड़ना है तो आठ और आठ सोलह और छह बाईस बचे दो छ और आठ चौदह चौदह और एक पंद्रह बचा एक एक और दो तीन तीन और दो पांच अब नेगेटिव वाले जोड़ो तो ये ये और ये तीन ही नेगेटिव में आठ और सात पंद्रह और चार उन्नीस बचा एक तीन तीन और दो पांच और पांच दस बचा एक तो दो बस दो उसके अलावा तो कुछ है नहीं दो सुनो, डिवाइडेड बाय टू वन सिक्स ओके करो माइनस बारह माइनस न गई तीन चार पांच में दो गई तीन सो दिस इज द फाइनल आंसर थ्री फोर्टी थ्री बाय टू वन सिक्स सेवन बाय सिक्स का क्यूब आ रहा है एक तरीके से ना दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स हुआ किसी का मैच हम्म या किसी ने अटेम्प्ट ओके तो कहां तक मैच हुआ ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो सही निकाले हम्म कुछ भी नहीं हुआ पैरा बोला गलत है तो <laughs> तो फिर क्या ही सोचना जब फिगर ही गलत है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं है ना ये तो चीज हमने कई बार डिस्कस कर लिया अगर हमने फिगर ही गलत बना दिया तो इस इस ये पर्टिकुलर एक ऐसा चैप्टर है, है जिसमें फिगर गलत तो सब कुछ गलत है ठीक है चलो कर दू डिलीट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें सो वॉट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेट सी यूजिंग इंटीग्रेशन फाइन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड ट्रेंगल ये ट्रैंगल वाले क्वेश्चन कई बार किए अपने तो ये इसमें तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया था मैंने इसमें कोई ऑप्शन नहीं था ना हुआ था ये अटेम्प्ट हो गया था मतलब सॉल्व हो गया था आसानी से ये नहीं हो पाया ओके चलो तो कोर्डिनेट्स गिवन है साफ साफ तो अंदाजे से हम क्या कर लेते हैं फिगर ट्राइंगल बना लेते हैं टू कोमा माइनस टू का बनेगा तो वन टू वन टू यहां पर आएगा एक पॉइंट तो आके आइए फिर फोर कोमा फाइव तो वन टू थ्री फोर एंड वन टू थ्री फोर फाइव कहाँ जाएगा लगभग यहाँ ठीक है और सिक्स कॉमा टू भी है तो फाइव सिक्स कॉमा टू यहाँ ओके ऐसे एक एंगल बनाया सबने चलो सो यहाँ से यहाँ एक साइड ही है यहां से लेके अब सोचना ये, ये एक्स एक्स को कहां को कहा करेगी, करेगी वो भी सोचना इंपॉर्टेंट है तो या तो पहले सॉल्व कर दो उसके बाद इसको टच करवाओ तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ओके चलो इनके कोऑर्डिनेट्स पहले मार्क कर देता हूं मैं देखो एक मिनट मेरे पास स्ट्रेट लाइन का भी ऑप्शन है मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ नहीं बनती, है नहीं बनती। नहीं ये क्या बन रहा है नहीं बन पा रही ओके एनीवेज तो फिर पहले एक बार वो फाइंड आउट कर लेते हैं क्या सबसे पहले अपन इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ना तो टू क्या फॉर्मूला होता है दो पॉइंट गिवन होते हैं तो इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होता है y Y1 Y2 Y1 X2 X1 X X1. तरीका चलिए अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पहला पॉइंट क्या है ये दूसरा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स तो एटलीस्ट ही सकते हैं पहला पॉइंट है ए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है टू कॉमा माइनस टू दूसरा पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है फोर कॉमा फाइव एंड तीसरा पॉइंट क्या है सी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है सिक्स कॉमा यही है चलो जी तो सबसे पहले हम लाइन ए बी बना लें ए बी चलो लाइन ए बी की इक्वेशन बनाते हैं सो वाई माइनस वाई वन तो, तो ट तो क्या है माइनस टू तो वाई माइनस माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन करो b के में से करता minus, minus 2, 7, और फोर माइनस टू यानी कि टू और एक्स माइनस एक्स वन तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है टू एक्स माइनस टू ठीक है लगे तो उसको सोल्व भी करते जाओ सो टू so, को उधर ले जाओ क्योंकि वाई इक्वल टू सम वाली फॉर्म चाहिए ना आपको तो टू को उधर ले जाते हैं टू को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये चाहो तो आप से सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन और फिर एक वो प्लस टू तो माइनस सेवन प्लस टू इज फाइनली माइनस फाइव ओके ये आ गई हमारी पहली लाइन ए बी की इक्वेशन डन प्लस टू तो माइनस टू हो गया ना धरा आगे जब प्लस टू माइनस टू था तो माइनस सेवन माइनस नाइन हो गया मतलब हाँ माइनस नाइन हो गया प्लस टू था तो उधर उगे माइनस टू और ये क्या बन गया टू से टू कट के माइनस सेवन तो माइनस सेवन माइनस टू माइनस नाइन ठीक है अभी ठीक है चलो लाइन ए बी के बाद लाइन बी सी लाइन बी सी भी चलता है सो लाइन बी सी की इक्वेशन बनाने के लिए बी माइनस सी करना पड़ेगा बी माइनस सी करो वाय माइनस बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है फाइव इधर आओ वाई टू माइनस वाई वन करो तो टू माइनस फाइव करेंगे टू माइनस फाइव यानी कि माइनस थ्री और सिक्स माइनस फोर करेंगे नीचे प्लस टू और एक्स माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फोर है इम्प्लाइस इसको सोच आउट करो फटाफट से सो so, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थ्री एक्स बाय टू और इसको उससे मल्टीप्लाई करो टू से टू टाइम्स कट जाएगा ये तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स और फाइव उधर जाएगा तो प्लस फाइव सिक्स प्लस फाइव इलेवन समझ आया ये हो गई हमारी लाइन बी सी फाइनली एक और लाइन है लाइन ए सी लाइन ए सी आइए सो लाइन ए सी में क्या करेंगे वाई माइनस वाई वन तो ए का अगेन वाई कोऑर्डिनेट जैसे पहले था माइनस टू ही था तो प्लस टू हो गया था यहाँ के वाई टू माइनस आई वन तो सी माइनस ए करो तो टू माइनस माइनस टू यानी टू प्लस टू फोर और सिक्स माइनस टू करो फोर है ना और एक्स एक्स माइनस कोऑर्डिनेट टू तो फोर बाय फोर कट गया है तो ना तो वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस टू उधर आगे माइनस टू हो जाएगा एक्स माइनस फोर तो पहले तो ये मैच करू तीनोंक्वेश आ गई है दोनों लोगों की

और लाइन ए सी वाई एक्सिस को कहाता हूँ लाइन बीसी तो को छूनी नहीं।, तो तो नहीं है ये तो मुझे पता है लेकिन लाइन ए बी को छूने का मतलब हो गया वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखना तो लाइन रफली लाइन ए बी की इक्वेशन में रफली आप वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखो जरा इसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखो तो क्या हो जाएगा ये जीरो माइनस नाइन तो यहाँ से क्या आ जाएगा अः सेवन बाय टू एक्स बराबर प्लस नाइन तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन टू जा एटीन बाय सेवन एटीन बाय सेवन का मतलब हो गया सेवन टू जा फोर्टीन टू पॉइंट है ना सेवन टू जा फोर्टीन फिर फोर्टी बचा तो सेवन फाइव या थर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव से ज्यादा ढाई से ज्यादा है ना तो यह वन ये है टू तो यह टू पॉइंट फाइव लगभग यहाँ से गुजरेगी समझ गए ना ये अंदाजा मिल गया कि ए बी जो है इस जगह से गुजरती हुई जाएगी ठीक है तो इसका तो काम कर दो और ये एटीन बाय सेवन काम भी ऐसा नहीं कि केवल आपने इसको ये कहां से छुएगी इसलिए निकाला है ये काम भी आएगा ये ऑर्डिनेट तरह काम आएगा लिमिट की तरह काम आएगा ये एटीन बाई सेवन तो स्केल से जब आप बना भी दोगे बहुत सही से बेटा तो डू मुझे एक चीज बताओ कि ये ये वन टू थ्री कौन सा आपने स्केल से मार्क किया होगा चलो हम्म हम्म हु? हम्म ये तो यहीं से शुरू होगा ना बीस तो फोर कोमा जीरो हो जाएगा फाइन ठीक है चलो एक बार मुझे एक चीज बताओ अभी चलो मैं रफली स्कोयर सेवन बना दिया है ना मैंने नहीं पता लगाया मैंने यहीं से पास करवा दी पता नहीं है यहाँ से पास हो भी रही है कि नहीं हो रही ठीक है अब सुनो अब एरिया जब आप निकालोगे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए आपको तो इस ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको इसको ब्रेक कैसे करना पड़ेगा यू कैन इमेजिन एक्स एक्सिस को बेस लोगे बोलो या एक्सिस को लोगे एक्स एक्सिस को ही लोगे तो आप इसको ऐसे जोड़ोगे ठीक है इसको ऐसे जोड़ोगे इसको ऐसे जोड़ोगे और फाइनली इसको ऐसे जोड़ोगे ठीक है अब कौन कौन सा एरिया चाहिए एक दो तीन एक दो तीन चार ये चार एरिया चाहिए चलो इसको तो एक ही एरिया मान लिया यहां से लेके नहीं पर इसको भी अलग अलग ही मानना पड़ेगा एक दो तीन चार, ये चार एरिया मिला के टोटल ट्राइंगल का एरिया है या नहीं यहां पे मैंने क्यों खींचा देखो मेरी बात सुनो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे आप तो मुझे बताओ इस पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कैसे निकालोगे बस ये बता दो कौन से ट्रायंगल में से पूरे ट्रायंगल में से देखो बेटा ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसमें से ये वाला जो एरिया है दिस 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 ये जो पूरा एरिया है इस एरिया में से ये लेफ्ट साइड वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा तब जाके ये वाला एरिया आएगा अब ये वाला एरिया जब मैं माइनस करूंगा तो इसलिए मैंने वो परपेंडिकुलर खींचा नहीं आया समझ अभी भी देखो एक बार मैं सारे ऑर्डिनेट्स हटा देता हूँ ये एरिया चाहिए है ना तो अब आप बताओ आप कैसे निकालना चाह रहे हो उसका एरिया बोलो बोलो हो सकता है कि आपकी अप्रोच ठीक हो ठीक है एक काम करते हैं रुको इस इस वाली लाइन को भी एक बार डिलीट कर देते हैं ये लाइन भी एक्चुअली कहाँ से पास हो रही है वो भी निकाल लेते हैं ना यानी लाइन ए सी की इक्वेशन में अपन ने वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखा तो पता चल जाएगा कि इसको कहाँ से छूती हुई निकल रही है सो वो भी काम लगे हाथ कर ही लेते हैं उसके बाद फिर आगे का डिसीजन लेंगे ठीक है सो लाइन ए सी का है ये रही इसमें अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट जीरो रखूँ तो यहाँ रख देता हूँ तो जीरो फोर यानी कि तो तो ये तो पता चल गया कि x से गुजर रही है वन टू थ्री फोर यानी कि पहले हमने सही गुजारी दी है ना वन टू थ्री फोर यहीं से गुजर रही है फाइन ये तो भाई साहब एक्स इक्वल टू फोर से रही है सो ये एरिया मिल गया मुझे अब आप बताओ इस एरिया इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं बीस से तो परपेंडिकुलर खींचेंगे ऑब्वियसली बी से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो फोर कोमा फाइव अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो वन टू थ्री फोर ये बिल्कुल सीधे यहां पे आके मिलेगा फोरकोमा जीरो पे आके मिलेगा ठीक है अब ये सिक्स कोमा टू है तो ये सिक्स कोमा जीरो पे आके मिलेगा ठीक है ठीक है अब अगर मैं इस इस वाले पार्ट का एरिया तो आ जाएगा ना इस ट्रेपेजियम के एरिया में से नीचे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो, इस ट्रेपेजियम का इस वाले ऊपर वाले पार्ट का एरिया तो आ जाएगा अब आओ उधर लेफ्ट साइड में इस फोर कोमा जीरो से लेफ्ट साइड के एरिया को डिस्कस करते हैं ये कैसे निकलेगा ये एरिया कैसे निकलेगा तो ए बी सी ए बी सी ए ए बी सी ये तो टोटल ट्राइंगल है मान ली बात उसको निकालने के लिए आप क्या क्या एरिया जोड़ रहे हो A... बेटा पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या 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 जुड़ेगा वही तो पूछ रहा हूं मैं पूरे का एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन निकालना है ना तो यूजिंग इंटीग्रेशन अपन दो तीन लिमिट्स में तोड़ के इसको बांट के ही तो सोल्व करते हैं और कैसे करते हैं सपोज करो ये है ए बी सी मैं इसके परपेंडिकुलर को लेट से पी ले लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर को लेट से क्यू ले लेता हूँ पी के कोऑर्डिनेट्स बोलो चलो फोरकोमा जीरो और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बोलो जरा सिक्स कॉमा जीरो तो एक ट्रा एक एरिया तो ये हो गया पी सी बी पी एक एरिया तो ये हो गया चलो मैं शेड कर देता हूं लगे हाथ पी सी बी पी निकालना है आपको ये वाला एरिया निकालना है पी सी बी पी वो उसके ट्राइंगर रीजन के एरिया में काउंट होगा होगा और ये निकालने के लिए क्या करेंगे वो भी अभी भी मैंने डिस्कस कर लिया कि मैं क्या करूंगा पी क्यू सी बी पी में से ये नीचे ट्राइंगुलर पी क्यू सी माइनस कर दो इसका काम तो खत्म अब इधर आओ ये एरिया चाहिए आपको ए से लेके पी पी से लेके बी बी से लेके ए ये तो चाहिए आपको निकालेंगे कैसे इस एरिया को निकालेंगे कैसे चलो ऊपर वाला एरिया तो पता चल जाएगा भाई कैसे निकलेगा ऊपर वाला एरिया को मैं अलग कलर से शेड कर देता हूं और ये मान लो ये वाला एरिया जो है इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इस पॉइंट को एक मार्क कर देते हैं हम्म इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं लेट से पी क्यू तो इसको आर मार्क कर देते हैं हाल फल के लिए आर इस आर के कोऑर्डिनेट्स बताना जरा निकाले थे एटीन कॉमा सेवन एटीन बाय सेवन कॉमा जीरो निकाले थे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स ठीक है तो ये आर पी बी का एरिया तो हम कैसे निकाल लेंगे इस ए बी लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे आर से आर वाली लिमिट से लेके पी वालीन बाई सेवन से लेके फोर तक पिंक वाला एरिया आ गया येलो वाला एरिया आ गया नाउ व्हाट अबाउट दिस एरिया ये कैसे निकालेंगे आप बताओ कैसे निकालेंगे इसको मैं शेड कर देता हूँ एक बार के लिए एरिया हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया ये जो नीचे ब्लू एरिया है ये निकालने की क्या स्ट्रेटेजी है आप बताओ पहले देखो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है ए से और खत्म कहां हो रहा है पी पर ये स्टार्ट कहां से हो रहा है ए से खत्म कहा हो रहा है पी पर और नीचे लटका हुआ है। नीचे लटका लटका हुआ हुआ है है तो चलो मॉडुलस हो गया आप इमेजिन करो ये ऊपर होता तो ये ऊपर होता तो आप ए से परपेंडिकुलर खींचते तो अभी नीचे से खींचेंगे ऊपर अगर ये ट्राइंगल ऐसे उल्टा सीधा होता तो ए से लेके पी ए से लेके एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रो होता नहीं होता अभी उल्टा लटका हुआ है तो नीचे से ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा होगा ना बेटा ठीक है तो यहां से लेके अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं लाइक दिस लाइक दिस तो ये ए क्या है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है टू का माइनस टू तो ये ऐसे ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा होगा ना तो अब ए से लेके पी तक यानी कि टू से लेकर और फोर तक का एरिया पहले इंटीग्रेट करो ए पी को लेकर उसमें तो ये पूरा एरिया आ गया आ गया माइनस उसमें से क्या एरिया माइनस करूंगा मैं ए से लेकर आर तक का ए से लेकर और आर तक का एरिया और उसमें फिर उसमें फिर इंटीग्रेट कौन होगा ये होगा ए आर उसमें इंटीग्रेट कौन होगा ए आर जब आपने यहां से लेकर यहां तक का एरिया लिया तो इंटीग्रेट ए पी हो रहा है यानी ए पी का मतलब वही ए सी ए सी मतलब ये वाली इक्वेशन वाईक्वल टू एक्स माइनस फोर ठीक है समझ आया और जब आपने फिर माइनस किया जब आपने फिर माइनस किया ये वाला वाइट पोर्शन वाला एरिया निकालने के लिए तो उसमें इंटीग्रेट तो होगा ए से लेकर आर तक यानी कि टू से लेकर एटीन बाय सेवन तक और उसमें फिर लाइन कौन सी बनेगी ए आर ए आर मतलब वही एबी एबी मतलब ये ये वाली लाइन मतलब। उससे तो आएगा ये वाला पार्ट का एरिया ऊपर और नीचे इनका इनका एरिया अपन डिसाइड कर लिया कैसे समझ आया ए सी को कैसे करें भाई मुझे एक चीज बताओ ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे ये ये टोटल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया है ये एरिया इसमें ये दीवार है ये दीवार है तो छत तो ये है ना तो ये ए पी है ना और ए पी आगे चल के ए सी है तो ए सी की लाइन की इक्वेशन क्या है वाईकॉल टू तो एक्स माइनस फोर तो, तो इसमें तो एक्स माइनस फोर को इंटीग्रेट करूंगा फाइन अब वो जो बचा वो वाइट पोर्शन का एरिया है उस पर चलता है ये वाला एरिया इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये तो दीवार है ऑर्डिनेट है ये तो ये दूसरी दीवार है छत का काम कौन कर रही है एपी ए पी मतलब ए बी ए बी मतलब ये वाला ठीक है और इस सब पे ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर टोटल पे मॉडुलस और लगेगा माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर भी क्या लगेगा फाइनली मॉडुलस लगेगा समझ आया क्या अच्छे से ठीक है तो अब एक काम करते हैं अपन इसको ए वन इसको ए टू और इसको ए थ्री रख देता हूँ हाल फिलहाल के ठीक है ना यही टोटल ट्राइंगल का एरिया चलो नेक्स्ट पेज पे आओ फटाफट से एरिया निकालते हैं so, ये तो समझ में आ गया ना क्या क्या करना है चलो रिक्वायर्ड एरिया जिसको अपन ट्राइंगल ए का एरिया कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ट्राइंगल ए बी सी दैट इज एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाल फिलहाल के मैंने नाम रख दिया ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ओके अब ए वन वाला एरिया जो होगा वो कैसे निकलेगा इस पॉइंट को भी मार्क करना पड़ेगा एक चीज तो इसको क्या मार्क करूं आर के बाद इसको एस मार्क कर दो और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे टू था ना टू कॉमा जीरो टू कॉमा जीरो ठीक है चलो तो ये ए वन कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से तो ट्राइंगुलर रीजियन एस पी ट्राइंगुलर रीजियन कर माने तो ए एस पी ए माइनस ए आर P, नहीं ये तो चाहिए ए एस पी ए में से माइनस कौन सा होगा ये वाला होगा ए आर ए आर ये क्या था नहीं ये एस था ए एस आर ए ओके चलो तो इसका एरिया ऐसे निकलेगा फिर से बोलो क्या आप करेंगे ए एस पी ए ये टोटल एरिया है ना ए एस पी ए एरिया ए एस पी ए माइनस इधर आओ ये वाला एरिया क्या हो जाएगा ए आर ए एस आर ए एस आर एरिया एस आर ए लगे हाथ इसके आगे लिख भी दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा ए एस पी ए के लिए क्या क्या इंटीग्रेट होगा ए एस पी ए के लिए इंटीग्रेट होगा ये, ये वाला पॉइंट है टू और वो वाला पॉइंट है फोर टू से लेके फोर तक तो इंटीग्रेशन चलेगा ठीक है और उसके बाद आइए एक काम करते हैं इसको वाई वन इसको वाई टू इसको वाई थ्री हाल फिलहाल के लिए है ना एफ एक्स डी एक्स नहीं लेते हैं अब इसके लिए इंटीग्रेशन एपी एपी मतलब AC, AC मतलब Y3, ओके Y3 लिख दूं। हाल Y3, ओके लिख शॉर्ट में माइनस इधर आइए टू से लेके फोर में से क्या माइनस होगा टू से लेके एटीन बाई सेवन टू से लेके क्या माइनस होगा टू से लेके एटीन माइनस अच्छा दूसरा तरीका ये हो सकता था देखो कि आप इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते ऐसे और इन दोनों को ऐड कर देते वो भी कर सकते थे आप है ना इन दोनों को ऐड कर देते थे टू से लेके एटीन बाय सेवन और एटीन बाय सेवन से लेके फोर और फिर इनको ऐड कर देते ये भी कर सकते थे आप है ना तो वो हमने नहीं किया तो अभी हम क्या करेंगे टू से लेके एटीन बाय सेवन तो हो जाएगी हमारी लिमिट वाइन। और कर्व का नाम क्या है बताऊ यहां से ए ए आर ए आर यानी ए बी ए बी यानी कि बाई वन वाई वन लिख दो Y1, Dx. और ये टोटल ओवरऑल एरिया ए वन है ये टोटल ओवरऑल एरिया क्या है तो ये ए वन जो होगा मॉडुलस में आएगा ओके प्लस अब ए टू आ जाओ बाकी मॉडुलस में नहीं आएंगे ए टू आ जाओ तो ए टू तो काफी आसान है ए टू का नाम भी बताओ पहले तो क्या होगा ये क्या है आर पी बी आर आर पी बी आर एरिया आर पी बी आर लिखते भी जाओ ऊपर प्लस एरिया आर पी बी आग, इसको सॉल्व भी करते जाओ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा तेलवी कहाँ से कहां तक होगा एटीन बाय सेवन से लेके फोर एटीन बाय सेवन से लेके फोर और इसमें इस एरिया इस के छत का काम क्या कर रहा है आ, ये आरबी आर बी यानी ए बी ए बी यानी कि वाई वन ठीक है ना ये तो दीवार है ना वाई वन डीएक्स प्लस फाइनली आ जाओ एक एरिया और है वो एरिया भी फिर दो पार्ट्स में निकल रहा है है ना ये एरिया भी फिर दो पार्ट्स में निकल रहा है ए थ्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए थ्री एरिया का नाम बताओ पहले तो क्या है पी बी सी पी पी बी सी पी पी बी सी पी निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है किसमें से क्या माइनस करना पड़ रहा है बताओ डायरेक्ट इंटीग्रेशन में बताओ आप तो फोर से लेके फोर से लेके सिक्स अच्छा अपन ने तोड़ के लिखा था क्या उसको एक मिनट अच्छा इसको भी अपने तोड़ के लिखा है तो इसको भी फिर तोड़ के लिखो बताओ पहले तो पूरा एरिया बताओ कहां से लेके कहाँ तक पी बी क्यू पी पी बी क्यूपी एरिया पी बी क्यू पी माइनस वाला एरिया बताओ पी सी क्यू पी पी सी क्यू पी ओके पी सी क्यू पी पी सी क्यू पी ओके चलो प्लस आ जाओ पीबी क्यूपी का एरिया कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फोर से लेके सिक्स और इसमें छत का काम ये करेगी बीसी इंटीग्रेशन फोर से लेके सिक्स और छत का काम कौन करेगी बीसी ये करेगी ना ये तो दीवार हो जाएगी ये दोनों तो दीवार हो जाएगी बीसी छत का काम करेगी तो बीसी की लाइन की इक्वेशन कर्व क्या है वाई टू क्या है तो वाई टू डी एक्स एंड माइनस माइनस पी सी जो नीचे वाला एरिया था पी क्यू सी पी इसमें जो है फोर से लेके सिक्स ही रहेगा ये तो सेम ही रहेगा फोर से लेके सिक्स लेकिन इसमें छत का काम कौन करेगी ये करेगी पीसी पीसी मतलब एसी एसी लाइन की इक्वेशन क्या है ये क्या थी वाई थ्री थी वाई थ्री वाई थ्री डी एक्स डन ओके चलो जस्ट पुट द वैल्यू सब वाई थ्री वाई थ्री की वैल्यू बोलो एक्स माइनस फोर ठीक है तो एक्स माइनस फोर को इंटीग्रेट करो यहां पे डी एक्स फ्रॉम टू टू फोर माइनस टू टू एटीन बाय सेवन वाई वन की वैल्यू क्या थी वाई वन सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन इंटू डी एक्स ठीक है ठीक है आगे बढ़ो प्लस ये एटीन बाय सेवन से लेकर फोर वाई वन की वैल्यू क्या थी सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन अगेन सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अगेन फिर आगे बढ़ो अब देखो इन दोनों की लिमिट सेम है सिक्स फोर से लिक्स फोर से सी तो वाई टू माइनस वाई थ्री एक साथ ही कर दो फोर से लेके सिक्स और वाई टू माइनस वाई थ्री तो वाई टू क्या था माइनस थ्री एक्स बाय टू प्लस इलेवन माइनस क्या था माइनस थ्री एक्स बाय टू प्लस इलेवन माइनस और फिर वाई थ्री की वैल्यू क्या थी एक्स माइनस फोर तो एक्स माइनस फोर माइनस करके सॉल्व करके लिख लो एक्स माइनस फोर है तो माइनस एक्स प्लस फोर हो जाएगा एक्स माइनस फोर माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस फोर इसको सॉल्व कर दो या तो इलेवन प्लस फोर क्या होता है फिफ्टीन और माइनस थ्री एक्स बाय टू माइनस एक्स क्या होगा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स बाय टू हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स बाय टू और इलेवन प्लस फोर क्या हो जाएगा फिफ्टीन आउट कर दिया अपन ने उसको पूरे को फिफ्टीन डी एक्स ओके डन चलो तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है करिए एक्स माइनस फोर का इंटीग्रेशन करिए एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फोर एक्स लिमिट क्या है इसकी टू से फोर माइनस आगे बढ़ो सेवन बाय टू एक्स इंटीग्रेशन करो सेवन बाय टू एक्स का एक्सक्वायर बाय टू तो ये क्या हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर सेवन बाय फोर एक्स स्क्वायर राइट सेवन फोर एक्स स्क्वायर आगे बढ़ो माइनस नाइन माइनस नाइन का मतलब क्या हो जाएगा माइनस नाइन एक्स और इसकी लिमिट बोलो टू से लेके एटीन बाय सेवन आगे बढ़ो सेवन बाय टू एक्स माइनस नाइन अगेन तो अगेन वो का वही सेवन बाय फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स और इसकी लिमिट एटीन बाय सेवन अब देखो टू से लेके एटीन बाय सेवन और एटीन बाय सेवन से लेके फोर तो एटीन बाय सेवन एटीन बाय सेवन को काट ही दो लेकिन फिर ये माइनस है ये प्लस है दोनों प्लस होना चाहिए था अच्छा मॉडुलस भी तो था वो तो हटा ही दिया अपन ने कहाँ रह गए मॉडुलस इस पे था मॉडुलस ठीक है तो फिर पीछे आओ फिर तो कुछ नहीं कर सकते हम इनको मर्ज कर ही नहीं सकते इस पर तो मॉडुलस लगाओ और उसको अलग ही करना पड़ेगा ये फिर इधर प्लस साइन आएगा और एटीन बाय सेवन से लेके फोर ये प्लस साइन लगाओ और एटीन बाय सेवन से फोर और लास्ट लास्ट बताओ प्लस इंटीग्रेशन नहीं किया ना अभी तक उसका अपन है फाइव माइनस फाइव एक्स बाय टू का करो पहले तो अच्छा इसको फिफ्टीन माइनस फाइव एक्स बाय टू रीड करो तो फिफ्टीन का करो फिफ्टीन एक्स माइनस और ये क्या है फाइव एक्स बाय टू का करो तो फाइव बाय टू फाइव बाय टू और एक्स स्क्वायर बाय टू तो फाइव बाय फोर एक्स स्क्वायर राइट फाइव बाय फोर एक्स स्क्वायर और इसकी लिमिट हाँ ये प्लस है दोनों प्लस है क्या सही है ना हाँ तो फोर से लेके सिक्स कर दू इसको सही कर रहे हैं ना ये लास्ट वाले को अपन ने मर्ज करके लिख दिया ना ये एरिया वन है ये एरिया एरिया है और ये एरिया तीनों को जोड़ी तो रहे हैं? ओके इक्वल टू अब ये बीच वाला नेगेटिव आएगा लेकिन मॉडुलस हो गया पॉजिटिव हो जाएगा चलो करो उसको सॉल्व फोर रखो इसमें फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन बाय टू एट देन फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस टू रखो टू का स्क्वायर फोर बाय टू टू

ठीक है इतना तो किया ही नहीं था किसी ने शायद है ना इसके बाद का ये सॉल्यूशन वाला पार्ट होमवर्क है और आप मुझे आंसर बताना कल क्या है था ना मतलब आप भी बताना आप भी बताना मैच करता है तो यानी कि करेक्ट है ओके हाँ एक चीज मेक श्योर करना ये इसके अंदर मॉडुलस के अंदर वाला जो काम है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट नेगेटिव ही आएगा हंड्रेड परसेंट क्योंकि नीचे लटका हुआ एरिया है और फिर मॉडुलस लगा के पॉजिटिव होगा और वो पॉजिटिव ही आएगा ये पॉजिटिव आएगा फिर तीनों को जोड़ के एक पॉजिटिव एरिया आंसर आ जाएगा ठीक है तो एक क्वेश्चन बचता है उसको फिर देखते हैं बात ओके थैंक यू सो मच फॉर लिस्टनिंग टू नाइस डे कीप लर्निंग में तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फोर्थ वाले को तो तगड़ा है तो ना ओके गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी सो नाउ आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर फाइव लेट टेक इट क्वेश्चन नंबर फोर तक हमने कल मतलब कल वाली क्लास में फर्स्ट सेशन में किया था एक क्वेश्चन रहा तो पहले इसको देखेंगे सबसे पहले सो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू सर्कल्स दो सर्कल्स के बीच में बाउंडेड एरिया चाहिए सो so, ये टू डी प्लेन बना दिया हमने दोनों सर्कल्स की इक्वेशन आपको दिख रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं दोनों सर्कल के बीच का एरिया चाहिए ना तो दोनों सर्कल्स का मतलब क्या स्ट्रक्चर होगा इस टू डी प्लेन में कहाँ से गुजरेंगे क्या उनका रेडियस होगा तो उसके लिए उनको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा सो थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो नाइन है वो तो कन्वर्ट होगा एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री का होल स्क्वायर ठीक है और दूसरे वाला जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा एक्स माइनस थ्री तो लिखा हुआ है ही उसको चेंज करना नहीं है वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और नाइन क्या है थ्री स्क्वायर सो यहाँ से अब जो जनरल फॉर्म होती है जो जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्किल होती है उससे दोनों को कंपेयर कर दू मैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्किल एक्स माइनस एच का k का होल टू आर सो फ्रॉम हेयर ऑन इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम इसको भी और इसको भी कंपेयर करें तो इसका जो सेंटर आएगा जिसको अपन एच कोमा के कहते हैं और रेडियस जिसको अपन आर कहते हैं ना वो क्या क्या आएगा देखने है? तो एच कॉमा के यहाँ तो क्या आ रहा है जीरो कॉमा जीरो और रेडियस क्या आ रही है थ्री यूनिट्स ठीक है ना एंड इस साइड का देखो तो थ्री कॉमा जीरो देखो एच की वैल्यू थ्री और के की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे जो रेडियस आ रहा है सेंटर uh, आ रहा है वो आ रहा है थ्री कॉमा जीरो और रेडियस अगेन क्या आ रहा है वही थ्री यूनिट्स तो ये दोनों चीजें जब पता चलेगी तब जाके हम यहाँ पे सर्कल बना पाए एक सर्कल तो ऐसा बनाना है जिसका सेंटर ओरिजिन है और एक जो तीन कदम दूर है तो पहले ओरिजिन वाला बना देखो तो ओरिजिन वाला बना देते हैं लेट्स से कि तीन कदम दूर बनाना है तो अंदाजे से बना दो लेट्स से कि एक सर्किल ठीक है अगर ओरिजिन पर सेंटर है तो चारों क्वाड्रेंट में विस्तार होगा उसका ना ठीक है अब ये तीन यूनिट बनाया मैंने अंदाजे से ये तीन यूनिट बनाया रेडियस ओके अब तीन यूनिट बनाया है दैट मींस दैट मींस अगर मैंने ये तीन यूनिट बनाया है तो दैट मीनस ये वाला पॉइंट थ्री कॉमा जीरो होगा ये तो जीरो ये तो जीरो इसको ए ले लो तो ये थ्री कॉमा जीरो होगा ना क्योंकि मैंने बनाया तीन यूनिट्स है और दूसरे का सेंटर थ्री कॉमा जीरो है यानी ये जहाँ खत्म हो रहा है उस पॉइंट पे दूसरा उस पॉइंट से दूसरे सर्कल का सेंटर मार्क करके और सर्कल बनाना ठीक है और फिर जो दूसरा सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस भी थ्री यूनिट्स है तो अगर मैं सेंटर से यहां से तीन कदम इधर और तीन कदम इधर इधर तो अगेन वो ओरिजिन को छूता यूनिट है समझ ना इमेजिन कर पा रहे सो दिस इज वी विल ड्रॉ इट तो मुझे तो अभी भी स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बुक का है और ऐसा लग रहा है कि शायद पहले किया है हुँ? नहीं किया बोलो अनुष्का ठीक है सो ये ब्लू वाला सर्किल तो सेकेंड सर्किल है दिस वन एंड रेड वाला सर्किल जो है वो फर्स्ट सर्किल है ये तो रेड वाला सर्किल के एट्रीब्यूट है ये ब्लू वाले सर्किल के एट्रीब्यूट है एग्जाम्पल है ना अच्छा देखो है ना इसका इसका विस्तार भी तीन यूनिट तीन यूनिट है ना इसका भी तीन यूनिट ओके ऊपर हाइट तो दोनों की बराबर होगी क्योंकि दोनों के सेंटर एक्सेक्स पे लाया कर रहे हैं और रेडियस दोनों का बराबर है तो हाइट दोनों की बराबर होगी सर्कल हाइट एंड डेप्थ ये तो बराबर होंगे यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में और इधर सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में जो हाइट है वो बराबर होगी यूँ जो विस्तार है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया ये सर्कल्स ओरिजिन पे वो थोड़ा आगे खिसक गया ठीक है तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आए अब इन दोनों के बीच में जो सर्क जो एरिया बाउंड हुआ इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंड हुआ सो so, ये वाला होगा और वो सिमेट्रिक होगा ऊपर नीचे क्योंकि मैं कह रहा हूँ अभी हाइट बराबर है तो सिमेट्रिक होगा तो क्यों ना मैं ऊपर नीचे निकालने की के केवल ऊपर निकाल लू और उसको दुगना कर दू केवल ऊपर निकाल के उसको दुगना कर सकते हैं ना और फिर ऊपर वाले एरिया में भी दो जो कर्ज है वो छत का काम कर रहे हैं अभी ये थोड़ा सा सिमेट्रिक अभी भी नहीं बन पाया जब आप उसको सिमेट्रिक बनाने जाओगे तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इस एरिया के बीचों बीच फॉल होगा अभी ये इस समय थोड़ा सा ये इस समय थोड़ा सा जो है इधर की साइड लगा हुआ है ना बट ये ऐसा नहीं होगा जब आप परफेक्टली विथ यूजिंग कॉम्पस या किसी इंस्ट्रूमेंट से सर्कल बनाएंगे तो ये इसके बीच में फॉलो होगा क्योंकि अंडरस्टूड स्ट्रूट से सिमेट्रिक हो रहा है तीन सेंटीमीटर ये है तीन सेंटीमीटर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा उधर की तरफ क्यों होगा ठीक है एनीवेज अभी अपने को तो सोल्यूशन करने से मतलब है सो ये वाला एरिया निकाले हम तो ये ओ ए इसको बी ले, ले लेते हैं और ये फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर पी ले लेते हैं ठीक है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा बी तब जाके पी का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और इधर वाले के लिए तो ब्लू वाला सर्किल बनेगा छत का काम जो करेगा और इधर वाले के लिए रेड वाला तो जो ब्लू वाला है कौन सा है ब्लू वाला है ये वाला ना तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी उसको एफ एक्स और यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी उसको जी ओफ एक्स तो निकाल लेते पहले दोनों जगह तो से वाई की वैल्यू तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बताओ मुझे नाइन माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है और फिर वाई स्क्वायर है तो वाई निकाल तो क्या हो जाएगा वो अंडर रूट यहां से वैल्यू क्या स्क्वायर का रूट ठीक है ऐसा करने से दो फायदे हो गए एक तो इक्वेशंस भी बन गए क्योंकि को एलिमिनेट करोगे वाई कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है तुमको तो इक्वेशंस भी बन गई इक्वेशन वन इक्वेशन टू कर देंगे एंड दूसरी चीज हम फंक्शन भी एंड वैंड कर सकते हैं ये वाला फंक्शन तो ले लेते ले हैं हम एफ एक्स ये वाला फंक्शन ले लेते हैं हम एफ ओफ एक्स इक्वल टू और ये वाला फंक्शन ले लेते हैं हम जी ओक्स चलो अब सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन टू एंड वन में वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूं बोलो तो वाई की कर दो या वाई स्क्वायर की कर दो एक ही बात है तो वाई स्क्वायर की कर देते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 और यहाँ स्क्वायर की वैल्यू क्या है बोलो नाइन माइनस एक्स माइनस थ्री काउटो से, 9 तो अब खोलो से plus, plus कर तो दोनों को चलो एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस अगेन एक्स स्क्सर कैंसिल आउट हुआ माइनस सिक्स एक्स उधर चला जाएगा तो इट इज लाइक सिक्स एक्स बराबर नाइन थ्री से काट दूंगा तो टू एक्स बराबर थ्री इम्प्लाइस एक्स की वैल्यू थ्री वाय टू कोऑर्डिनेट तो एक ही आएगा है ना ऐसा नहीं होगा कि सर दूसरा दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है तो कोऑर्डिनेट दोबारा क्यों नहीं आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्टेटर क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा वाई कोऑर्डिनेट ही तो डिफरेंट होगा कोऑर्डिनेट सेम ही होगा तो यानी कि कोऑर्डिनेट तो फिक्स है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का थ्री बाय टू ही इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है पता करना भी नहीं क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को बेच लिया तो पीक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे थ्री बाय टू कॉमा जीरो निकाल लें तो ये हो गया ओ पी ए बी ठीक है ये वाला किया था आप ने? या अदर नीचे वाला किया था रिक्वायर्ड एरिया को हम क्या नाम देंगे दैट इज एरिया बोलो रिक्वायर्ड एरिया को क्या नाम देंगे तो एक काम करते हैं नीचे वाला भी एरिया है ना रिक्वायर्ड में तो इसको सी पॉइंट मार्क कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा ओ सी ए बी ओ ओ सी ए बी ओ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ऊपर वाले एरिया का नाम बोलो ओ ए बी ओ एंड अगेन अगेन फिर हम क्या करेंगे टू दो बाहर और इसको ऐड करेंगे मतलब स्प्लिट करेंगे दो एरिया में पहले लेफ्ट साइड वाले एरिया को क्या कहेंगे ओपी बीओ ओपी बीओ प्लस राइट साइड वाले को क्या नाम दे देंगे पी ए बीपी पी ए बीपी डन चलो ट्वाइस ऑफ आओ एरिया ओपी बीओ ओपी बीओ के लिए इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेके थ्री बाय टू तक और ब्लू वाला सर्कल इंटीग्रेट होगा और इसके लिए थ्री बाय टू से थ्री तक और रेड वाला सर्किल फाइन तो ब्लू वाले को हमने एफ एक्स लिया है इसको जी एक्स लिया तो जीरो से थ्री बाय टू जीरो से थ्री बाय टू एफ एक्स डीएक्स प्लस थ्री बाय टू से थ्री जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज फाइन बढ़ते हैं आगे सो टू आ जाओ इंटीग्रेशन जीरो से थ्री बाय टू एफ एक्स क्या था अंडर रूट नाइन माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू से थ्री और ऑफ एक्स क्या था इधर आओ अंडर रूट ओनली नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फॉर्मूला तो वही बनेगा एक्स आ रहा है आ, माँनस माँनस तो जहां थी आएगा ठीक है पहली चीज ये और दूसरा एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव तो वन ही होता है ना एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव वन ही होता है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं डिवाइड करना नहीं पड़ेगा मान लो यहाँ टू एक्स होता तो फिर डिवाइडेड बाय टू करना पड़ता

x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ए ए मतलब थ्री नाइन थ्री का स्कॉर है क्लियर है और x माइनस थ्री का डेरीवेटिव ही होता है इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा नहीं तो अगर जैसे टू थ्री होता तो डिवाइडेड बाय बाय करना पड़ता ओके तो ये तो केवल पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ है सेकंड फंक्शन आओ लेकिन इसको अपने को इसको लिमिट अलग देनी है उसको अलग लिमिट देनी है ना तो मर्ज तो कर नहीं सकते है. इसको क्या लिमिट देनी है जीरो से थ्री बाय टू ओके प्लस प्लस इधर आइए अब चलते हैं सेकंड फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करें सो so, इधर तो ये इजी लग रहा है एक्स बाय टू वही सेम नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी नाइन बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बाय थ्री ठीक है इसको हमको लिमिट देनी है थ्री बाय टू से थ्री ठीक है एंड ब्रैकेट क्लोज क्योंकि होल मल्टीप्लाइड बाय टू बी ठीक है चले आगे एक काम करते हैं मैं टू से मल्टीप्लाई करके ये टू 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 सब हटा देता हूँ ठीक है तो काट ही देता हूँ अगले स्टेप में समझ जाना ये टू से ये 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 कट गया ये ये थ्री नहीं कट सकता है ना साइन इनवर्स में और वैसे भी थ्री से नहीं कटता कट कर भी सकता होता तो नहीं कटता क्योंकि ये एंगल में है ना ठीक है चलो तो अब आपको इस वाले पार्ट को थ्री बाय टू एंड जीरो करना है उस वाले पार्ट को थ्री एंड थ्री बाय थ्री बाय टू रखते हैं तो सबसे पहले है। तो थ्री बाय टू रखो थ्री बाय टू रखने से यहाँ पे मैं रखूंगा थ्री बाय टू थ्री बाय टू, टू माइनस थ्री तो जीरो तो बनेगा नहीं तो सॉल्व करो फिर एक्स माइन एक्स की जगह थ्री बाय टू रखो तो थ्री बाय टू माइनस थ्री क्या होगा टू थ्री या सिक्स थ्री माइनस सिक्स यानी माइनस थ्री माइनस थ्री बाय टू यहाँ तो और रूट के अंदर वही एक्स माइनस थ्री करेंगे तो माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर यानी फोर फोर और नाइन माइनस नाइन बाय फोर करेंगे तो नाइन फोरस नाइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन बाई फोर तो ट्वेंटी लिख सकते हैं अपन थ्री रूट थ्री बाय टू ओके ये थ्री बाय टू रखने का काम हुआ है प्लस इधर आओ नाइन तो बार ही और एक्स माइनस थ्री सोल्व किया ही था थ्री बाय टू थ्री टू थ्री सिक्स थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री बाय टू आ गया था माइनस थ्री बाय टू को थ्री से भी डिवाइड करेंगे तो कितना फाइव फाइव ठीक है ये थ्री बाय टू रखने का काम हो गया है अब जीरो माइनस जीरो रखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस थ्री और अंदर जीरो रखेंगे माइनस तो थ्री का स्क्वायर नाइन तो पूरा ही जीरो हो गया ना माइनस जीरो रखूंगा जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन माइनस टेन तो फिर बाहर वाले का कुछ मतलब है नहीं जीरो और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो नाइन मल्टीप्लाइड बाय जीरो रखेंगे तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस वन हो गया तो साइन इनवर्स माइनस वन चाहिए साइन इनवर्स वन कब आता है पाए बाय टू पे तो साइन इनवर्स माइनस वन कब आएगा थ्री पाए बाय टू पे थ्री पाए डन ये पहले वाले इंटीग्रल का काम खत्म हो चुका है प्लस सेकेंड वाले पे आइए तो यहाँ पे थ्री रखते तो ये जीरो नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ पे थ्री रखेंगे तो नाइन इन टू साइन इनवर्स पाए पाए बाय टू क्योंकि साइन इनवर्स वन आ रहा है तो साइन इनवर्स वन आ रहा है तो पाए बाय टू आंसर आ जाएगा ठीक है अब थ्री बाय टू रखना है तो माइनस थ्री बाय टू रखो तो एक्स की जगह तो थ्री बाय टू

पहली वाली टर्म बताओ कुछ कट नहीं रहा तो माइनस यहाँ सॉल्व कर रहे हैं माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर ओवरऑल और ये फाइव फाइव बाय सिक्स नाइन है तो थ्री से थ्री थ्री से टू टाइम कर गया तो थ्री फाइव जो फिफ्टीन पाए बाय टू ये जीरो को लिखना नहीं है ये हो जाएगा माइनस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन पाई बाय टू ट्वेंटी सेवन पाइव बाय टू उधर चलते हैं ये जीरो लिखना नहीं है ये क्या हो जाएगा प्लस नाइन पाए बाय टू फिर आगे चलते हैं ये क्या हो जाएगा माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर सही क्या थ्री थ्री नाइन रूट थ्री बाय फोर ठीक है माइनस और ये क्या हो जाएगा वही थ्री से एंड टू से कट के माइनस थ्री पाए बाय टू ओके अब इन सबको मर्ज कर दू तो देखो पहले तो पाए वाले टर्म्स बताओ एक दो तो, तीन चार इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव ये दो तो पंद्रह और नौ चौबीस ट्वेंटी फोर और सत्ताईस और तीन तीस और सबके नीचे टू 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 टूट -टू लगा हुआ है ना पंद्रह नौ चौबीस चौबीस में से तीस गए तो माइनस छ बोलो माइनस माँग, सिक्स पाई बचा न्यूमिनेटर में माइनस का बचा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय है तो तो ओवरऑल हो हो जाएगा ये वाली टर्म्स गई इन दोनों को सॉल्व कर दू माइनस फोर डिनोमिनेटर है टू से, तो से काटने के बाद नाइन रूट थ्री बाय टू माइनस नाइन रूट थ्री बाय टू आंसर स्क्वायर यूनिट्स लेकिन एक प्रॉब्लम है ये नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है नेगेटिव आंसर आ रहा है ना बोलो जीरो से लेके थ्री बाय टू थ्री बाय टू से लेके थ्री ये लिमिट सही सॉल्व करी है हमने नाइन से नाइन काटा माइनस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था माइनस माइनस प्लस कर दिया एक्स के लिए थ्री बाय टू करेक्ट कर है थ्री बाय टू से थ्री हमें एक्स एक्सेस से ऊपर है तो एरिया तो पॉजिटिव ही आना चाहिए नेगेटिव आ ही नहीं सकता थ्री बाई टू यहां रखेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर यानी नाइन बाय फोर नाइन माइनस नाइन बाय फोर ना थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स माइनस टेन ट्वेंटी सेवन बाय फोर ये तो करेक्ट है फिफ्टीन पाई बाय टू यहाँ से पॉजिटिव टर्म मिली है यहाँ से नेगेटिव टर्म क्यों मिली तो थ्री माइनस थ्री बाय टू माइनस थ्री अगेन माइनस थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू का मतलब हो गया माइनस वन बाय टू का मतलब हो गया सेकेंड क्वार टू यानी थर्टी डिग्री सिक्स फाइव टू और जब जीरो रखेंगे तो ये इधर जीरो बनेगा इधर जो है माइनस थ्री बाय थ्री यानी माइनस वन तो साइन इनवर्स वन होता है फाइव बाय टू साइन यूनिवर्स माइनस वन होगा थ्री फाइव आई टू ट्वेंटी सेवन फाइव आई टू फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर नेगेटिव आ रहा है वो गलत आ रहा है सेकंड वाले का तो पॉजिटिव ही आ रहा है देखो फर्स्ट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक टर्म दूसरी टर्म यहाँ तक है ना एंड सेकंड यहाँ तक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू यानी सिक्स फाइव आई टू यानी थ्री पाए पॉजिटिव थ्री पाए यहाँ से तो है ना इसका आंसर तो पॉजिटिव थ्री पाए माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर तो ये तो एक पॉजिटिव एरिया लेकिन ऊपर वाला जो है अभी भी नेगेटिव आ रहा है ना ऊपर वाले में क्या आएगा फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन करेंगे तो माइनस का थर्टीन नहीं माइनस का ट्वेल्व पाए बाय टू यानी माइनस का सिक्स पाए माइनस का सिक्स पाए माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर ये माइनस प्लस एक्स पाई नहीं है ये प्लस प्लस एक्स आए क्या गलती कर रहे हैं थ्री बाय टू एक्स की जगह थ्री बाय टू रखेंगे थ्री बाय टू माइनस थ्री टू थ्री सिक्स थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री बाय टू होगा एक्स बाय टू करते हो ना तो आपकी बार याद रहेंगे एक्स माइनस थ्री बाय टू एग्जाम्पल में है निकालना एक बार उसका सॉल्यूशन लिखते हैं देखो स्क्रीन पे देखो एक बार साइन इनवर्स के लिए हमारे जो प्रिंसिपल रेंजेस हमको बताई गई है फंक्शन में वो बताई गई है फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ अगर पॉजिटिव होना है तो फर्स्ट में और नेगेटिव होना है तो फोर्थ में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव होता है पहली बात तो हम कर ही गलत रहे हम करी गलत रहे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कहाँ होता है साइन इनवर्स होता है क्या पॉजिटिव होता है ना तो हम तो सेकेंड नेगेटिव आंसर के लिए सेकंड में जा रहे हैं जबकि हमको आना कहा है फोर्थ क्वार में आना है और दूसरी बात जो अपन माइनस वन वैल्यू ला रहे थे प्लस वन यहाँ पे आती है माइनस वन यहाँ पे आती है तो हम ऐसे ला रहे थे घूम के थ्री फाइव बाय जबकि आपको ऐसे आना है माइनस फाइव बाय ठीक है तो ये दो चेंजेस कर दो आ जाओ इधर देखो ना तो ये फाइव फाइव बाय होगा फाइव फाइव बाई सिक्स फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स था अपने थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में आए थे क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव रहता है अपने को तो नेगेटिव चाहिए साइन इनवर्स माइनस हाफ जो निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू होगा ये थ्री से भी नहीं कटेगा माइनस फाइव बाई टू होगा ना कि फाइव फाइव बाई इसकी जगह माइनस फाइव बाई टू लिख दूँ माइनस फाइव बाई टू देखो माइनस फाइव बाय टू ओके और दूसरा एक चेंजेस और नाइन इंटू ये थ्री फाइव बाई टू नहीं होगा ये भी क्या होगा माइनस फाइव बाई टू नहीं माइनस फाइव बाय सिक्स वन बाय टू है ना वन बाय टू तो थर्टी डिग्री पे आएगा ना माइनस फाइव बाय सिक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू इस जगह पे क्या आएगा थ्री बाय बाय टू नहीं आएगा क्या आएगा माइनस फाइव बाय टू ओके क्योंकि आपको उसके नीचे जाना है तो आप यू नहीं जाएंगे थ्री बाय टू आप यू आएंगे माइनस नब्बे डिग्री आएंगे प्लस दो सौ सत्तर डिग्री नहीं आएंगे ओके ना एक चीज ये एक चीज तो ये और दूसरी चीज फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है साइन इनवर्स ना कि फर्स्ट सेकेंड क्वार में सेकेंड क्वार में कौन नेगेटिव होता है कॉस इन ठीक है ना साइन के क्या साइन और साइन इनवर्स के क्या साइन होते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस तो नेगेटिव फोर्थ क्वार्टर में आएंगे तो ये दो चेंजेस कर दो तो आपका आंसर है वैसे भी सेकेंड वाला तो नेगेटिव आ ही नहीं रहता फर्स्ट वाला नेगेटिव आ रहा था हमारा तो ये पहली टर्म ठीक है इसको अब काटो जरा थ्री से थ्री थ्री जा नाइन थ्री टू जा सिक्स तो ये माइनस थ्री पाए बाय टू होगा इस जगह पे फिफ्टीन पाए बाय टू की जगह क्या होगा माइनस थ्री पाए बाय टू चेंजेस करते हैं माइनस थ्री पाए बाय टू आगे बढ़ो ये तो जीरो है से ही सही और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस नाइन पाई बाय टू हो जाएगा ये प्लस नाइन पाई बाय ठीक है अभी अभी पॉजिटिव एरिया आएगा ना देखो आएगा नहीं आएगा अब नाइन पाई में से थ्री पाई गया तो सिक्स पाई, सिक्स पाई बाय टू यानी कि पॉजिटिव थ्री पाए पॉजिटिव थ्री पाए तो पे तो हाँ पे एक मिनट तो हाँ ये माइनस का आएगा फाइव आई टू है ठीक है ना सेकंड माइनस फाइव आई सिक्स है ना अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे तो ठीक है ना क्लियर है तो अब ये तो हो गया आपका पहले पार्ट का एरिया आ गया इन दोनों को मर्ज करो तो थ्री पाए थ्री पाए टोटल सिक्स पाए और फिर माइनस नाइन रूट थ्री बाय फोर माइनस नाइन रूट वो तो सही है माइनस नाइन रूट थ्री बाय टू तो सही है बस ये पाए वाली टर्म हमारी नेगेटिव आ रही थी वो गलत आ रही थी तीन पाए तीन पाए सिक्स पाए आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर सिक्स पाए माइनस नाइन रूट थ्री बाय टू स्वायर अभी ठीक है ना? ठीक है तो याद रखेंगे देखो हर एक चीज याद दिलाती है अब ये छोटी सी बात है कि साइन इनवर्स के लिए इसको नेगेटिव करने के लिए हम सेकंड पवार्टेंट में जा रहे थे वो नहीं जाना है अपने को है ना वो अपने को फोर्थ पवार्टेंट पे जाना है चलते नेक्स्ट लास्ट पार्ट ये वाला अटेंड किया था किसी ने मैच का हाँ कॉपी देंगे अभी तक मैंने आपने किया था ये वाला अटैम्प्ट नहीं किया आपने आपने किया देखो फिर मैच करो फिर मुझे लगा ले लिया आपने कॉपी इंटरसेक्टिंग पॉइंट गलत है जीरो से जीरो से थ्री और दूसरा दोनों जीरो से थ्री नहीं जीरो से थ्री डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा ना जीरो से मिडवे मिडवे पे पहुंचेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला ही नहीं इसने दोनों को जीरो से थ्री कर दिया तो फिर कैलकुलेशन यहाँ तक तो सही होगा यहाँ तक सही होगा यहाँ तक एक्स की टर्म्स है चेक करो यहाँ पे एक्स की टर्म्स कहाँ पर हैं यहाँ तक तो सही होगा उसके बाद जब वैल्यू रखने की बारी आई होगी वहाँ से गलत हो ना यहाँ तक सही तो उसके लिए आप कितने मार्क्स दोगे तो इसमें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकला है और दूसरा फिर पुट भी नहीं किया तो कितने दिन बताओ डायग्राम सही बनाए चाहिए तो फिर दो मार्क्स देखो तो। ठीक है कर दो डिलीट ठीक चलते हैं लास्ट पार्ट पे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक लाइन है एक एक्स एक्सिस है और ऑर्डिनेट्स है ना तो इजी तो दिखाई दे रहा है काफी लाइन ही दे दी इसमें तो सीधी सीधी कोई कर नहीं है देखो दिस इज द टूरी प्लेन तो लाइन की इक्वेशन से लाइन के बारे में जानने जानकारी लेनी पड़ेगी लाइन की इक्वेशन क्या है बोलो y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू तो या तो आप एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो लेकिन फिर स्लोप थ्री आएगा स्लोप थ्री आएगा तो टेन की वैल्यू थ्री कब आती हो तो पता नहीं किसी को है ना तो टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म से ज्यादा अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसके लिए क्या करूँ पहले तो थ्री एक्सर लाओ तो माइनस थ्री एक्स प्लस वाई बराबर टू टू से डिवाइड कर दू साइड्स तो एक्स थ्री बाय टू वन यहां से कुछ मिले है मुझे माइनस टू बाय थ्री और वाई इंटरसेप्ट टू ले तो एक दो और एक्स इंटरसेप्ट तो माइनस वन से भी पहले है जैसे ये माइनस वन ये माइनस वन और ये माइनस टू तो माइनस वन से भी पहले माइनस टू बाय थ्री है ना माइनस वन बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री लगभग ठीक है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करके पहले तो लाइन बनाओ बना दे नहीं इसको इसको प्लस टू है ना माइंटर से प्लस टू है और ये माइनस टू है ठीक है तो ये तो बन गई लाइन अब बाकी की बातें पढ़ते हैं लाइन चाहिए एक्स एक्सिस चाहिए ऑर्डिनेट्स क्या चाहिए एक्स की वैल्यू माइनस वन से एक्स की वैल्यू वन तो एक्स की वैल्यू माइनस वन ये रही और एक्स की वैल्यू वन ये रही ठीक है तो एक एरिया तो एक्स की वैल्यू माइनस वन से मैं दीवार खड़ी करूंगा तो एक एरिया तो ये बनेगा इमेजिन करो एक एरिया तो बनेगा और वो नीचे की साइड का एरिया होगा है ना और एक्स की वैल्यू वन एक्स की वैल्यू वन के लिए ये लाइन खींच दी मैंने एक्स की वैल्यू वन यहाँ से मैं दीवार खड़ी करूँ तो एक एरिया पॉजिटिव मिलेगा ओके okay, तो मैं शेड कर देता हूं कौन सा एरिया बाउंड होगा एक एरिया तो ये वाला बाउंड होगा ठीक है एक्स एक्सिस लाइन और इस ऑर्डिनेट के बीच में और एक एरिया ये नीचे लटकता हुआ बाउंड होगा सो so, जिसको मैं क्या कर सकता हूं जिसको मैं जिसको मॉडुलस लेना पड़ेगा ना एक एरिया बाउंड ठीक है एक एरिया पॉजिटिव एक एरिया नेगेटिव ठीक है और ये एरिया एक दूसरे से अलग कहाँ पे हो रहा है टू बाय थ्री पे हो रहा है कहाँ पे हो रहा है ये वाला पॉइंट क्या था टू बाय थ्री जहाँ से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ठीक है तो कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं आइए तो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं ए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे टू बाय थ्री कॉमा जीरो ये वाला क्या था माइनस वन था ही सही तो ये ए हो गया ये हो गया बी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे माइनस वन कॉमा जीरो और ये वाला पॉइंट सी ले लो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन जाए ना ठीक है इधर आओ ये वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा ए बी सी ले लिया तो उसको डी ले लो ये वन कॉमा जीरो और वो ऊपर वाला ई ले लो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने से मतलब ठीक है तो ये वाला एरिया निकालूंगा मैं माइनस वन से माइनस टू बाई थ्री माइनस है ना ये कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस टू बाई थ्री कोमा जीरो ठीक है माइनस वन स्टार्टिंग पॉइंट होगा माइनस टू बाई थ्री उसका आगे वाला पॉइंट होगा माइनस वन से माइनस टू बाई थ्री और दूसरा क्या होगा माइनस टू बाई थ्री से प्लस वन ओके और दोनों के लिए वही लाइन बनेगी मेरी इंटीग्रेशन uh, का पार्ट वही लाइन नहीं जो छत का काम कर रही है इधर भी इधर भी लाइन बन रही है और उधर भी एक ही लाइन बन रही है लेकिन इधर वाला एरिया मॉडुलस के अंदर आएगा और उधर वाला एरिया मॉडुलस के अंदर नहीं आएगा चलिए निकालता रिक्वायर्ड एरिया और y की वैल्यू जो आ रही है वहीं से एफ एक्स मिल गया एक ही करवा एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू रिक्वायर्ड एरिया अब इस बार रिक्वायर्ड एरिया को ए मार्क कर देते हैं क्योंकि ऐड करके ही इसको अपन डिनोट करा सकते हैं तो एरिया पहले इधर वाला एरिया लो ए बी सी ए बी सी ए ले लो और प्लस इधर वाला एरिया ए डीई ए ले लो ए डीई ए ठीक है जब ये वाला एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे हम माइनस टू बाय थ्री से लेकर माइनस माइनस वन से लेकर माइनस वन से लेकर माइनस वन लोअर लिमिट है माइनस टू बाय थ्री माइनस वन से माइनस टू बाय थ्री और वही एफ एक्स डीएक्स और जब इसको निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस टू बाय थ्री से लेके प्लस वन ये इसके कोऑर्डिनेट्स ठीक है ना माइनस टू बाय थ्री से लेके ले प्लस वन और वही एफ एक्स डीएक्स लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव एरिया निकलेगा तो इसको मॉडुलस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे लटकता हुआ एरिया ठीक है अगर ये मॉडुलस नहीं लगता तो मैं लिमिट भी मर्ज कर सकता था माइनस वन से माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री से प्लस वन तो सीधे माइनस वन से प्लस वन आ जाता और फंक्शन भी सेम ही है लेकिन क्योंकि मॉडुलस लग रहा है तो मैं लिमिट मर्ज नहीं कर सकता नहीं कर सकता चलो आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस वन से माइनस टू बाई थ्री एफ एक्स की वैल्यू डाल दो क्या है थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स ठीक है ना प्लस अगेन माइनस टू बाय थ्री से प्लस वन और वही थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स सेम सेम आ जाएगा इस पे लगा दो मॉडुलस चले आगे चलो जी तो थ्री एक्स प्लस टू को इंटीग्रेट करो जरा थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू एक्स और लिमिट लगा दो माइनस वन से माइनस टू बाय थ्री ठीक है और मॉडुलस भी लगा दो साथ में मॉडुलस भी लगा दो प्लस उधर तो वही इंटीग्रेशन तो वही बनेगा चलेक्ट पे माइनस टू बाय थ्री बोटअप करना है बेटा करो तो माइनस टू बाय थ्री का स्क्वायर क्या होता है फोर बाय नाइन थ्री बाय टू इंटू फोर बाय नाइन हो जाएगा थ्री बाय टू इंटू फोर बाय नाइन पहली टर्म ठीक है प्लस दूसरी टर्म आ जाइए टू इंटू माइनस टू बाई टू इंटू माइनस टू बाई थ्री माइनस अब माइनस वन पोट करना है तो माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है थ्री बाय टू ही रहेगा ना माइनस थ्री बाय टू एंड देन अगेन आ जाओ प्लस है माइनस तो लगेगा ही लेकिन माइनस वन रखते ही माइनस तो लगेगा ही और फिर माइनस वन रखते ही प्लस टू हो जाएगा ओके okay? प्लस टू ठीक है ये हो गया लिमिट पुट करने का काम हो गया लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है तो मॉडलस लगाओ प्लस आगे चलो अब वहां पे पहले वन रखो तो थ्री बाय टू और फिर वापस यहाँ पे वन रखो तो थ्री बाय टू प्लस टू थ्री बाय टू प्लस टू यहाँ पे मॉडलस लगाने की जरूरत नहीं है ना ऐसे जोड़ दो थ्री बाय टू प्लस टू माइनस और पीछे आओ माइनस टू बाय थ्री रखो तो थ्री बाय टू और वही इंटू फोर बाय नाइन थ्री बाई टू इंटू फोर बाय नाइन एंड देन माइनस इधर थ्री बाई टू रखेंगे तो टू इंटू माइनस टू बाई थ्री माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टू इंटू टू बाय थ्री प्लस का बचेगा ठीक है ना माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे और टू इंटू माइनस टू बाय थ्री है ना एक्चुअली प्लस है चलो सॉर्ट आउट करते हैं टू से वन टू से टू टाइम यहाँ गया थ्री से थ्री यहाँ गया सो so, ये हो गया टू बाय थ्री और ये माइनस फोर बाय थ्री और ये माइनस थ्री बाय टू प्लस का टू प्लस इधर आओ ये प्लस का टू थ्री बाय टू फिर प्लस का टू इधर वही टू इधर वही थ्री माइनस टू बाय थ्री माइनस टू बाय थ्री आया एंड प्लस फोर बाय थ्री वे कुछ टर्म्स कट रही हैं टू बाय थ्री से माइनस टू बाय थ्री माइनस फोर बाय थ्री से प्लस फोर बाय थ्री और माइनस थ्री बाय टू से प्लस थ्री बाय टू टू प्लस टू फोर स्क्वायर अच्छा मॉडुलस तो गए तो बोल भी नहीं हो फिर तुम ये या लेटिंग भी सॉल्व डाउन तो कहाँ से कहाँ था मॉडुलस एक मिनट एक मिनट ये ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली इसको अलग सॉल्व करना इसको अलग सॉल्व करना ठीक है तो बोलो क्या करू मैं सिक्स सिक्स एलसीएम आएगा ना थ्री टू जै सिक्स फोर फिर थ्री टू जै सिक्स एट फिर टू थ्री जै सिक्स नाइन एंड देन सिक्स टू जै इधर भी सिक्स एलसीएम ले लो टू थ्री या सिक्स थ्री थ्री या नाइन ट्वेल्व थ्री टू जै सिक्स फोर थ्री टू जै सिक्स एट ठीक है तो यहाँ एड करो बारह और चार सोलह नो और आठ सत्रह है ना hmm. बारह और चार सोलह नो और आठ

क्यों ये वाला अटेम्प्ट किया तो टू बा नहीं निकाला हम्म तो फिर आपने इसको माइनस वन से ही जाने दिया ये जो है ये आपने माइनस वन से ही जाने दिया तो ये पता नहीं चला ना कि माइनस वन से गुजरेगी इधर से देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमको केवल ये पता चलता है कि वो y वो एक्सिस एक्सिस को को छुएगी छुएगी लेकिन ये पता नहीं चलता ठीक है ना नहीं टेन की वैल्यू थ्री आती है सोचना पड़ेगा उतने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा सो नियर टू इम्पोसिबल तो सबसे आसान तरीका है ये सबसे आसान तरीका आपको अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है तो कई क्वेश्चन में क्या होता है मुझे एक्सेक्स से वो है पता करने की मुझे जरूरत नहीं होती है लेकिन इसमें जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो एक लिमिट बन रही है वो इंटीग्रेशन की एक लिमिट बन रही है अब बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें इसका कोई रोल नहीं है तो बस फिर आपको ये पता करना होता है कि लाइन ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी तो अगर स्लोप पॉजिटिव है जैसे पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी और स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी कईय में बस ये पता करना पड़ता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर कर लो कहींयों में ये भी पता करना पड़ता है कि एक्जेक्टली एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे छूके जा रही है तो उस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वाई सात बजे बुलाए फिर वापस चेंज किया था पता था मुझे ये होगा उसका अब कई लोग तो छह बजे कई लोग सात बजे और जब आपको देता नहीं ठीक है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो दोनों से पता चल सकता है इससे भी पता चला टू और उससे पता चला टू तो वो तो पता चल जाता है वो तो लग्जरी एक तरीके से दोनों से पता चला लेकिन एक्स इंटर से, पता, एक से, पता, एक से पता, पता करने के लिए टोटल इंटरसेप्ट का मैं करना ठीक है चले हो गया खत्म अब इसमें तो फिगर ही गलत है सब कुछ ही गलत है एक नंबर दो ठीक है कर दू डिलीट सो दैट इज इट ये हमारा टोटल पेपर था ये उस चैप्टर से छांटे हुए दस या नौ सबसे अच्छे हर पैटर्न के मॉड्यूल्स भी शामिल हो गया करीब करीब हर एक कर भी शामिल हो गया पैराबोला हाइपरबोला हाइपरबोला तो खेल नहीं है पैराबोला एलिप्स सर्किल स्ट्रेट लाइन किस तरीके से दे सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है पैराबोला के अंदर और एलिप्स के अंदर और हाइपरबोला के अंदर तीन कर्स के अंदर जो फोक से पैराबोला की बात करें सो इट इज अ पैराबोला ये पैराबोला जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ऐसे से उतरता जाएगा ठीक है तो फोकस जो होता है पैराबोला का फोकस जो होता है फोकस तो पता है क्या होता है फोकस और ये जो एक लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स है ना फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर की दूरी पे जो पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन पैराबोला होता है जैसे ये और ये डिस्टेंस बराबर ये और ये डिस्टेंस बराबर ये ये और ये डिस्टेंस बराबर तो ये जो डिस्टेंस बराबर होती है इनका जो कलेक्शन होता है उन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं पैराबोला कहते हैं चलो तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स का लेकिन इस वाले हमारे इस साल कोई रोल नहीं है अब फोकस मिल गया तो फोकस से परपेंडिकुलर अच्छा एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस तो फोकस से परपेंडिकुलर और एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाइ करें यानी लाइन सेगमेंट बनानी है उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं उस लाइन सेगमेंट को तो क्या कहते हैं सेक्टर क्या फोकस से पास थ्रू होगी एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी और एंड पॉइंट्स पैराबोला पे लाया दो बनेगी क्योंकि ना इलिप्स में दो लेटेक्टम बने जैसे इलिप्स हमने बनाया लाइक ठीक है तो ये तो होगा इसके ये तो हो इसके वर्टिसेस ये होगा इसके दो फोकस एफ वन एफ टू तो अब एक्सेस ऑफ पैराबोला ये एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सेस तो यहां से यहाँ परपेंडिकुलर एक लाइन यहां से यहाँ परपेंडिकुलर दूसरी लाइन जिसके एंड पॉइंट एलिप्स पे लाए करें दोनों बराबर बनेंगी लेंथ में लेकिन बनेंगी दो ठीक है ना इसमें दो बनेगी हाइपरबोला में भी दो बनेगी पैराबोला में एक ही बनेगी क्योंकि उसमें एक ही फोकस होता है फोकस से तो पास थ्रू हो एक्सिस से परपेंडिकुलर हो एंड पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर लाया करें ठीक है तभी तो उसकी लेंथ निकाली जा सकती है क्योंकि लाइन नहीं है लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके एंड पॉइंट डिफाइंड है ऊपर नीचे दोनों जगह ठीक है और पैराबोला के इक्वेशन में जो फोर ए होता है वो उसकी लेंथ होती है तो यहां से यहां तक की लंबाई ए होती है फोकल लेंथ वर्टेक्स से फोकस तक यहां से यहां तक की लंबाई टू ए होती, होती है यहां से यहां तक की लंबाई भी टू ए होती है तो टोटल क्या हो जाती है फोर ए तो y square equal to जैसे फोर ए हमारी की लंबाई होती है तो जैसे इक्वेशन दिखाई दे तो X के बगल में जो भी रखा हुआ है वो की लंबाई है पैराबोला में तो ठीक है ना और यहाँ पे पैराबोला की लंबाई क्या होती है याद है किसी को टू ओ तो उसकी लेटेस्ट एक्टम की यहाँ पे लेटेस्ट एक्टम की लंबाई क्या होती है टू बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई एपर बी स्क्वायर बाई नीचे क्योंकि यहाँ पे बी और ए दो टर्म्स होती हैं क्योंकि इसकी क्यों होती है तो A और भी निकालना पड़ेगा कंपेयर करके टू बी स्क्वायर बाई ए लेटेस्ट एक्टर्म की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी फोर ए इसमें 2A part होता है टू ए पार्ट नीचे होता है इसमें बी स्क्वायर बाई ए पार्ट ऊपर होता है और बी स्क्र बाई ए पार्ट नीचे होता है ठीक है डाउट क्वेरी और ये तो आपको पता चले हो गया होगा कि इस चैप्टर पे पूरा कमांड हासिल करने के लिए आपको कॉनिक सेक्शन पे भी कमांड होना चाहिए लाइक पैराबोला हाइपरबोला तो तो चाहो पिछले साल की इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो सीखा था हमने लेटेस्ट एक्टम क्या होती है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिस्टिंग टूअर्स की